कई बार माँ बाप हाथ भी उठाते हैं जैसे हमने तो अपने बचपन में बहुत मार खाई है तो आज मैं ऐसा देखता हूँ नोटिस कर रहा हूँ कि चीजें उल्टी होते जा रही है आजकल बच्चे भी हाथ उठाना चालू कर देते हैं तो ये चीज कितनी सही है क्या गलत है और कैसे इसको हैंडल करना चाहिए बच्चों के अंदर एंगर फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके काफी सारे रीजन है बट उसमें जो प्राइमरी रीजन है वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज द इन्फोबेसिटी दैट इज द ओबेसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन तो वैसे सिचुएशन में डील कैसे किया जाए मतलब काउंसिलिंग सोल्यूशन है वेरी फर्स्ट थिंग मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसके वजह से फिर वो ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता ऐसे कुछ रिसर्चेस बताती है कि ब्रेन ऐसे वीडियोस आते हैं कि बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है right. राइट खाना ही नहीं खाना नहीं खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ लोग पेरेंटिंग में कैसे कर सकते हैं कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जो बोलेगा वो करने के तैयार में होता है तो वो अब क्या उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे वो सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ जब एक काम करते हैं एक करके थोड़ा और डप में अलग -अलग, अलग अलग एंगल से इनको नहीं। देखते हैं और ये जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल हम कर सकते हैं वैसे देखते हैं जैसे आपने पहला बोला एंग, एंगर टेंट्रम मैंने भी कई बार देखा ये चीज़ अभी बाजू में मॉल है कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हो इतना चिल्ला रहा है बच्चा इतना कुछ कर रहा है ज़मीन पर लेट रहा है चिल्ला रहा है कि उसको कुछ चाहिए कुछ चाहिए और बच्चे कई बार अब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसको मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए पूरा सीन क्रिएट होता रहता है एम्बेसमेंट भी होता है आई थिंक पेरेंट्स लोगों को वो सब चीजें और फ्रस्ट्रेट कराती होगी आसपास वाले लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे ये आतंकवादी <laughs> बच्चों को नुकसान कर रहा है हिटलर हाँ, पेरेंट है हाँ हाँ जो बच्चों की केयर नहीं कर रहे हैं हाँ या फिर ऐसा भी लगता है कि बच्चे बहुत ओवर पावर्ड है ऐसा लगता है कि माँ बाप yes. कुछ कर रहे ही नहीं है ऐसा भी मतलब आता है कि right. कुछ संभालो उसको क्या कर रहे हैं right. <laughs> मतलब right. थोड़ा संभालो ऐसे सिचुएशन ये जो एंगल्ट होता है पहली बात क्यों होता है और उसको हैंडल कैसे करना चाहिए राइट सो वेरी फर्स्ट थिंग जब भी बच्चा कोई भी चीज़ वस्तु करता है माने उसका एम है कि मुझे चॉकलेट चाहिए या टॉय चाहिए समथिंग आइसक्रीम ये तीन चार चीज़ों में से कोई एक वस्तु चाहिए जब वो चीज़ वस्तु के लिए उसने डिमांड किया एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मम्मी पापा क्या करते हैं पहली बार में मना कर देते हैं मैक्सिमम टाइम कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना ये नहीं ये नहीं फिर नाउ अब बच्चा क्या उसके पास दूसरा अल्टरनेट क्या है हम लॉजिकली बात कर सकते हैं बच्चे के पास अभी तक उसका जो काइंड ऑफ प्री फ्रेंटल कॉन्टेक्स है वो डेवलप नहीं हुआ है जो लॉजिकल एंड रीजनिंग के लिए काम करेगा सो so, उसके पास अभी एक ही रास्ता है क्या सो मे वो थोड़ा रोना धोना इमोशनल करना या कई बार आपने मे भी शायद सुना हो आप अच्छे मम्मी पापा नहीं हो राइट right? ऐसा बच्चा बोल देता है तो इमोशनल हो। प्यार नहीं करते ऐसा करके वो एक्चुअली करना क्या चाह रहा है अपना काम निकलवाना चाहता है सो so, मम्मी को कई बार हर्ट होता है बिकॉज मम्मी इज मोर इमोशनल उसको लगता है यार मैं अच्छी मम्मा नहीं हूं <laughs> बच्चा बट दैट इज फॉर टेंपरेरी दैट इज फॉर चॉकलेट ओनली हां हां अभी चॉकलेट मिलेगा एट अ वेरी सेम टाइम वो नेक्स्ट सेकंड पे बच्चा वही बोलेगा आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मा हो सो दैट इज टेंपरेरी फेज ओनली सो उसके अंदर बच्चे का प्रोग्रामिंग हो रहा है कि मैंने जब ज़िद करी मैंने जब ऊंची आवाज में बात करी मैंने जब गुस्सा किया तो मम्मी पापा ने मुझे दिलाया अब नाव नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हमारा वो गुस्से को लेकर इतना टॉलरेंस डेवलप हो गया है तो ज़्यादातर मम्मी पापा तब तक उसको नहीं मनाते या तब तक बात नहीं मानते बोलते हैं, नहीं चलेगा अब नाऊ बच्चा क्या करेगा अब यहाँ तक बात नहीं बनी अब बच्चा क्या करेगा तो और बढ़ाएगा अब मम्मी पापा ने इतना बढ़ने के बाद अब वो चीज़ उसको दिलाई अब थर्ड टाइम में क्या होगा बच्चा मे बी पैर पछाड़ेगा मॉल में या रास्ते पे सो जाएगा वो शो कर रहा है कि बच्चे ने जब पहले टेंट्रम थ्रो किए थे तभी उसको चीज मिली हुई थी नाउ so अब इसका तो सोल्यूशन है आपके साथ हुआ काफी सारे मैंने काफी सारे पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं हाँ हाँ। और जिनका ये कहना होता है कि मॉल वगैरह में जाके जाते हैं बच्चे तो कंपैरेटिवली वो टेंट्रम थ्रो करते ही करते हैं क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं एंड uh, या फिर दूसरा जब घर पे मेहमान आते हैं हाँ जब भी घर पे मेहमान आएंगे तब बच्चा कुछ ना कुछ वैसा उलट पुलट करेगा या ऐसे डिमांड करेगा जो उसको पता है कि अकेले में मिलने वाली नहीं है सो <laughs> <है। laughs> so, समझो बच्चे हमारी साइकोलॉजी है सो इन दैट सिचुएशन वेरी फर्स्ट थिंग कि हम क्या करें बच्चा जब भी कोई चीज़ वस्तु मांगता है तो उसी समय पे हम उसको अटेंशन दें टेक्निकली दस में से चार या पांच चीज़ें बच्चे के लिए जेन्यून होती है ज़रूरी होती है वो चीज़ हम इमीडिएटली दिलाए पहली बार में जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल बच्चे ने बोला कि मुझे कलर चाहिए या मुझे ये चाहिए और हम बिज़ी हैं तो हम क्या बोलते हैं नहीं बाद में बट उस समय पे मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए कलर करना या समथिंग कुछ ज़रूरी है वो चीज़ वस्तु मेरा काम छोड़ते हुए मैं उसको पहले लेके उसको दे दूँ सो so, उसका प्रोग्रामिंग इज वाट मैं शांति से कहूँ तो भी मेरी बात मानी जाती है वेरी फर्स्ट थिंग नाउ सेकेंड थिंग कुछ चीज़ें वैसी होगी जो बच्चा डिमांड करता है बट अभी उसके लिए ज़रूरी नहीं है सो so, मम्मी पापा क्या करते हैं उसके लिए भी मना करते हैं बट उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें बोलना चाहिए बेटा हम आपको नेक्स्ट वीक में दिलाएँगे बेटा हम आपको एक महीने के बाद दिलाएँगे बेटा अभी नेक्स्ट वीकेंड में आपको ये चीज़ मिलेगी सो so, थोड़ी चीज़ें होगी जो नाव पे होगी थोड़ी चीज़ें होगी जो लेटर पे होगी एंड टू टू थ्री थिंग्स होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली हम बच्चे को बोल दें कि बेटा ये आपको नहीं मिलेगा सो so बच्चे का ना सुनना भी ज़रूरी है और बच्चे का हाथ सुनना भी ज़रूरी है और बच्चे का वेट करना भी जरूरी है तभी उसके माइंड के अंदर जो काइंड ऑफ न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनेगा वो तीनों कंडीशन के लिए रेडी होगा सो दस में से चार या पांच चीज़ें हम बच्चे को दिलाए दो तीन चार चीज़ें डिले करें दो तीन चार चीज़ों के लिए मना करें नाउ नंबर टू ऐसा करने के बाद भी यदि बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया रोया तो हमें क्या करना चाहिए हमें बोलना चाहिए बेटा आपका सो इन सो फॉर एन एग्जाम्पल हज़ार रुपये का बजट है यू कैन चूज़ एनी थिंग जो हज़ार रुपये में आए बेटा राइट अदरवाइज इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है वैसा करते हुए हमें वहाँ से जस्ट खाली यू टर्न ले लेना चाहिए और वहाँ से चलते बनना चाहिए यदि प्रॉब्लम तब होगा जब हमने फिर से यू टर्न मारा और बच्चे को पीछे से देखा सो बच्चा हमारी साइकोलॉजी को हमसे ज़्यादा जानता है यदि हम गए गए थोड़े आगे गए थोड़े आगे गए थोड़े आगे गए गारंटी के साथ बच्चा पहले रोना बंद करेगा या फिर थोड़ा और ज्यादा रोएगा और ज़्यादा रोएगा रोने के बाद देखेगा कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है और यदि मम्मी पापा ने मुड़ के देखा तो जो उसने मांगा चीज मिल जाएगी जीत गया बट यदि मम्मी पापा सीधे सीधे चलते गए और उसको जो जो दिन रियल जो समय पे रियलाइज हुआ कि यार मेरी चीज नहीं मिलने वाली आंखें साफ करते हुए दौड़ता हुआ बच्चा पीछे पीछे आएगा ठीक है, है का तो बजट है ना वो तो मुझे दो नेगोशिएट करना नेगोशिएट करना चालू करेगा सो यहाँ पर हमें क्या करना है फॉर्म रहना है और फेयर रहना है ओके फर्म एंड फेयर यदि हम फ्यूरियस हो गए माने गुस्सा हमने कर दिया हम पीछे पलट के यदि हमने बच्चों को आंसर देना शुरू कर दिया

केक और दी आइसक्रीम समथिंग जो हेल्थ के लिए, right, सही जो हेल्थ नहीं। के लिए अभी फिलहाल सही नहीं है हु. तो हम उसको कहेंगे बेटा आपकी जब दवाई जब तक खत्म होगी एंड आपको डॉक्टर जब बोलेंगे उसके बाद में आपको मिलेगा सो अभी नहीं मिलेगा की जगह पर आपको वो कब मिल सकता है और कैसे मिल सकता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं और क्वेश्चन आया था अगर जब हम फ्यूरियस हो जाते हैं तो बच्चे कई बार माँ बाप हाथ भी उठाते हैं जैसे हमने तो अपने बचपन में बहुत मार खाई मार खाई मेरे माँ बाप ने तभी मारा है बट फिर भी मारे तो मैक्म बच्चों ने मार खाई हाँ मैक्सिमम बच्चे मार खे मेरे दोस्तों ने मैंने सुना बहुत मार खाते मेरे दोस्त बताते हम तो बहुत चप्पल चप्पल बेल्ट बेल्ट मारते थे right. अब वो कितना सही था वो कितना गलत था और आज मैं ऐसा देखता हूँ नोटिस कर रहा हूँ कि चीज़ें उल्टी होते जा रही है आजकल मतलब आजकल बच्चे भी हाथ उठाना चालू कर देते थे चिल्लाते हैं और टेंटर में मैंने मतलब वीडियोज़ में देखा रियलिटी में थोड़ा बहुत देखा है कि हाँ वो लोग बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं right. तो ये चीज़ कितनी सही है क्या गलत है और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए राइट सो इनफैक्ट अभी हमारे पास एक केस आया था कि जहाँ पर पर्टिकुलरली बच्चे ने जब मम्मा ने उसके पास से फ़ोन लिया तो बच्चे ने मम्मा के ऊपर हाथ उठाया एंड uh, फिर मम्मा को फोन वापस देना पड़ा क्योंकि टीन में बच्चा था काफी पावरफुल था टीनेजर था टीनेजर था ओके okay. सो so, फिर सेम डे जब शाम को पापा घर पे आए मम्मी ने सारी चीजें बताई एंड पापा ने भी बोला कि अब आप, आपको ये फोन नहीं मिलेगा मैं आपसे फोन ही ले रहा हूँ ये सेम चीज सुनने के बाद वो बच्चे ने पापा के ऊपर भी हाथ उठाया माने एक दुश्मन दुश्मन को मारे उस तरीके से हाथ उठाया अच्छा And he was so powerful कि पापा ने भी मार खाई ना इन दैटन आप सोच सकते हैं कि वो मम्मी पापा के ऊपर क्या भी देगी ना इन दैट ना ही वो पुलिस केस भी कर सकते हैं और ना ही वो पर्टिकुलर बच्चे के साथ भी रह सकते हैं इनफैक्ट दे दिन तक वो अपने दोस्त के वहाँ पे रुके अपने घर पे नहीं रुके अपने घर पे वो नहीं रुके उसके बाद में वो अपने बच्चे को मिलते हैं एंड देन आफ्टर वो काउंसलिंग वगैरह के लिए भी आए राइट तो ऐसा होता है कि okay. बच्चों के अंदर एंगर फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ओके okay. उसके काफी सारे रीजन है बट उसमें जो प्राइमरी रीजन है वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज द इन्फोबेसिटी क्या है इन्फोबेसिटी इन्फोबेसिटी वो क्या होता है दैट इज़ द ओबेसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अच्छा सो so, बच्चों को कम एज के अंदर जो एज अप्रोप्रिएटली उनका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर पाए उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है सो फॉर एन एग्जाम्पल जब बच्चा छोटा होता है आपने देखा होगा कि बच्चे यूट्यूब देखते हैं सो so बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं है बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स है राइट वेरी फर्स्ट थिंग थिंग सेकंड बच्चे तारक मेहता उल्टा चश्मा देखते हैं कपिल शर्मा फैमिली के साथ बैठते हुए देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो सात साल के बाद वाले बच्चों के लिए बना हुआ है नॉट बिफोर दी सेवन ईयर्स बिफोर द सेवन ईयर्स ऑफ एज दे देव तारक मेहता का छोटा चश्मा अच्छा दैट इज द कार्टून वर्जन ऑफ दैट सीरियल जो सात साल से छोटा बच्चा वो चीज को हैंडल कर पाए एंड जैसे वो बबीता जी और मे बी जेठा लाल द फेमस क्रश राइट वो सारी चीजों को वहां से हटा लिया गया है ओके ओके राइट तो मे बी मारधाड़ वाले बच्चे आजकल जब गेम भी खेलते हैं तो मैक्सिमम या तो रेसिंग होता है या तो मारधाड़ होता है राइट सो right. so बच्चे को वो चीज लगती है कि इतना मारना या मरना या हाथ उठाना इज अ नॉर्मल थिंग Hmm. क्योंकि वो ब्रेन प्रोसेस कर पाए वैसा फिल्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो छोटा जैसे धूम मूवी में भी आपने देखा था कि जैसे मूवी आया था उसके बाद में एक्सीडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी hmm. शक्तिमान में भी शायद हमारे समय पे जो सबसे ज्यादा शक्तिमान था, काफी सारे बच्चों ने गोल गोल घूमते हुए हाँ, जहाँ पर उनका प्री फ्रेंटल कॉटेक्स डेवलप नहीं हुआ है तो लॉजिकल एंड रीजनिंग उतना डेवलप नहीं हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जो देखता है वही चीज़ को सही मान लेता है सो ना कार्टून्स उसमें भी गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें और काइंड ऑफ फ्लाइंग किस करना या yeah, समथिंग कुछ वैसी चीज़ें जो वो वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है वो दिखाई जाती है इनफैक्ट कपिल शर्मा कपिल शर्मा इज फॉर थर्टीन प्लस के बच्चों के लिए एंड यदि आज पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कपिल शर्मा देखा है तो शायद मे बी नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंटेज बच्चे होंगे जिन्होंने तेरह साल पहले वो देख लिया है सो so, हम बच्चों को जो भी कंटेंट दे रहे हैं डेफिनेटली आज स्क्रीन हम दें मे बी टी या मोबाइल वो देखें बट वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं कि नहीं वो देखना मम्मी पापा का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और अगर नहीं होता है ऐसी चीज़ें गलती गलत चीज़ें वो लोग देखते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है सबसे पहला तो ब्रेन वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा माने फिल्टर नहीं कर पाएगा सो so, आज जब हम बाहुबली या कोई भी फाइटिंग वाला एक्शन देखते हैं तो वी नो कि दैट इज़ नॉट द रियल बट बच्चा जब वही चीज बाहुबली देखता है तो आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे मजाक में पर्टिकुलर अपने आपको बाहुबली कहते हैं और पापा को कटप्पा कहते हैं अच्छा राइट है <laughs> हमारे पास काफी सारे आते हैं <laughs> अच्छा सो मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ कि बच्चा जब कार्टून वगैरह देखता है तो वो छोटा भीम जो करे वो वो करना चाहता है बट ये मोटा भीम माने पापा जो कहे वो करना नहीं चाहता राइट सो बच्चों के ऊपर वो टीवी का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा हो जाता है वो कार्टून कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा हो जाता है कि फिर वो रियल और रील दोनों के बीच के डिफरेंस को वो समझ नहीं पाते एंड बिकॉज ऑफ दैट आज बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेशन या मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठाना और एक बार इसका एडिक्शन हो जाए उसके बाद में छोटे बच्चों के लिए छोड़ना इज़ कम्पेरेटिवली वेरी मच डिफ़िकल्ट सो इसीलिए हम जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे प्रिवेंशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है ओके okay. तो अगर लेकिन ये फिर भी अगर हो रहा है इशू अगर किसी ने जैसे आपने बताया हाथ वत उठाना स्टार्ट कर दिया तो रीज़न आपने बताया मे बी वो एक्सपोजर है एक्सपोजर जिस चीज़ को वो देख रहा है कई बार तो इसलिए वो रियलिटी में वो चीज कर रहा मारदर्ट देख रहा होगा तो इसलिए yes. yes. तो मतलब काउंसलिंग तो एक सोल्यूशन है उससे पहले एक और क्या या लोग कर सकते हैं उस चीज वेरी फर्स्ट थिंग कि मम्मी पापा के द्वारा उस समय पे उसके साथ प्यार से पोलाइटली बात किया जाए बिकॉज यदि उस समय पे उसको प्यार से हम बात करेंगे तो ही उसका ब्रेन वो चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा हम टेंट्रम या हम यदि गुस्से से बात करेंगे पनिशमेंट देंगे तो बात नहीं बनेगी वेरी फर्स्टिंग ये यदि बच्चा छोटा है बच्चा टीन एज या उससे बड़ा है तो फिर हमें उसको बताना पड़ेगा मे बी जो भी लीगलिटीज़ होती है मे बी पुलिस या जो भी ऐसा कभी भी आपने हाथ उठाया तो वो बड़ा बच्चा है तो उसको डर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि उसका काइंड ऑफ प्री फंडल जो लॉजिक वाला पार्ट है वो डेवलप हो चुका है ये कब होता है प्री फंडल बच्चों में सो ज़्यादातर जो पहले सात साल है वहाँ पर पर्टिकुलरली हमें हार्ट का इमोशन का डेवलपमेंट करना है सात से लेके मे बी चौदह साल का जो समय है वो है लॉजिक एंड रीजनिंग का माने हेड का डेवलपमेंट का तो वहाँ पर बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस देने और दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को डिसिप्लिन बच्चों को शिड्यूल देना वो एक्सट्रीमली ज्यादा जरूरी है के बाद से लेके चौदह साल तक ओके एंड यदि वो हमने किया हुआ है एंड देन आफ्टर फोर्टीन ऑनवर्ड्स हम डेवलप करना है हैंड्स का सो hmm. so, वहां पर बच्चों का स्किल का एम्पावरमेंट होना चाहिए बिकॉज फोर्टीन इज द एज कि जहां पर उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा अच्छा उसको लगेगा कि मैं ये दुनिया में क्या कर सकता हूँ मैं वो देखना चाहता हूँ मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ वो मैं देखना और समझना चाहता हूँ एंड यदि उसके पास उस समय पर हुनर नहीं है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में उतना ज़्यादा खो जाता है मैक्सिमम बच्चे आज यदि अब मिलेंगे तो बोले गेमर बनना है ये करना है वो करना है और उतने ज़्यादा वो लॉस्ट रहता है आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर कि संभव प्रॉपर करियर पाथ उनके सामने क्लियर होता ही नहीं है सो इसीलिए उसको कोई ना कोई हुनर कोई ना कोई स्किल्स जो जिसको वो इन फ्यूचर पैसों में कन्वर्ट कर पाए मनी मोनिटाइज़ कर पाए वैसे स्किल्स को डेवलप करना ये तीन फेज़ में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए राइट राइट आई थिंक इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे मैं इंटरेस्टिंग लगा है मेरे को uh, इससे पहले क्वेश्चन ये था कि पनिश जैसे बात हुई अपने डिसिप्लिन सिखाना चाहिए पनिशमेंट भी कितनी जरूरी है नहीं है कैसा करना चाहिए जैसे हमारे टाइम में तो हमने बहुत मार खाया जैसे मैंने आपको बताया अब लोग मारते ही नहीं है जरा भी राइट right, तो right. दोनों सही है मुझे पता नहीं मुझे ऐसा बीच का कोई आंसर होना चाहिए आपको क्या लगता है पहले का समय था जहां करेगा उसकी लाइफ में टॉलरेंस पावर उतना ही होगा राइट okay. सो right? so, हमारे पेरेंट्स से उन्होंने सर्वाइवल के लिए काम किया सो उनको रोटी कपड़ा मकान उसी के लिए उनकी पूरी जिंदगी निकल गई राइट मैंने और आपने काम किया फॉर सक्सेस राइट hmm, right? hmm. हमें वो रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा ऊपर उठना था लग्जरी फैसिलिटी वो सारी चीजें राइट right. अब नाउ हमारे जो जनरेशन आ रही है उनको काम करना है फॉर द दिसन अच्छा राइट right? तो वो सर्वाइवल था ये सक्सेस था अब नाउ जो जनरेशन काम करी दैट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ओनली सो उनको सर्वाइवल के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए या गाड़ी और ए के लिए बच्चे हमारे बच्चों को काम करने की जरूरत नहीं है सो so उनको सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है तो जब सर्वाइवल था स्ट्रगल ज्यादा था तब यदि टॉलरेंस पावर ज्यादा था उस समय पे यदि मार पड़ी भी तो बच्चे को मरने का विचार कभी नहीं आता था hmm. तब कोई बच्चा डिप्रेशन में गया हो सुसाइडल थॉट आए हो <laughs> उसको मरते हुए शायद टीचर मरने के बारे में सोचे कि यह बच्चा कब सुधरेगा ah. बट वो बच्चे के दिमाग में कभी नहीं आया बिकॉज टॉलरेंस पावर वॉज वेरी हाई बट क्योंकि अब धीरे धीरे स्ट्रगल कम होता जा रहा है लाइफ इज बिकमिंग मोर कंफर्टेबल एंड इजी एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चों का टॉलरेंस पावर अब नहीं है एंड अब जब वो उनका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है लाइफस्टाइल शिफ्ट हुआ है और वहां पर यदि हम अब हम अब हाथ उठाएंगे तो नाउ इट इज नॉट राइट थिंग ओके राइट वो फेज वो होता तो बात अलग होती बट अब फेज पूरा बदल चुका है साइकोलॉजी टोटली बदल चुकी है सो नाउ जब सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट है वहां पर वो लाइफ के पर्पज को समझ पाए उसका लाइफ कहां पर उसको किक मिलती है राइट right, वो सलमान खान का जो मूवी भी था किक वाला राइट सो right? so, उसको कहाँ पर किक मिलती है वो फाइंड आउट करना वो मम्मी पापा के लिए सबसे क्रुशियल काम है अच्छा अभी की जनरेशन अभी के, के जनरेशन के लिए ओके मेक्स एंड अदरवाइज यदि हम बच्चों को पैशन की ओर नहीं डालेंगे हुँ. तो वो या तो फैशन में या तो व्यसन में सॉरी पैशन की लाइफ में हम बच्चों को नहीं डालेंगे हाँ तो या तो वो व्यसन में व्यसन व्यसन इज एडिक्शन 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 अच्छा ओके एडिक्शन okay, right? uh, के अंदर एंड या तो फिर काइंड ऑफ फैशन दिखावा करना वो सारी चीजों के अंदर बच्चे रियल लाइफ को समझना शुरू करेंगे राइट सो so, उसकी जगह पर हमारा मम्मी पापा का भी का रोल है बच्चे के पैशन को आइडेंटिफाई करना किस में उसको, किस में उसको किक उसको नहीं आपने एकदम सही कहा इसलिए तो मैं नोटिस करता हूँ कई सारे जो लोग होते हैं जिनका सब कुछ होता है यूजुअली मतलब जिन्होंने हमारे जैसा स्ट्रगल नहीं देखा है मेरे मेरी right, उनके जो बच्चे होते हैं वो कई बार एडिक्शन में या फिर फैशन ही सब में महंगी चीज़ें खरीदना शो ऑफ में घुस जाते हैं उनके लाइफ हाँ। में जो सबसे ज्यादा खालीपन मैंने देखा खालीपन होता है सो वन ऑफ द मिनिस्टर उनकी डॉटर काउंसिलिंग के लिए आए हुए थे सो एट द एज ऑफ ट्वेंटी शी स्टडिंग इन यू एस काउंसिलिंग के लिए मम्मी पापा ने उसको यहाँ पे बुलाया इंडिया अहमदाबाद हमारी ऑफिस पे भेजा बातचीत हुई एंड लिटरली शी वॉज क्राइंग मैंने पैसों को लेकर या फैसिलिटी या लग्जरी को लेकर करियर को लेकर शायद मुझे और आपको दौड़ना पड़ेगा का, काम करना पड़ेगा का, पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा बट उसको तो कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं की वे, है पूछते वेल सेटल है बट शी कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का कोई पर्पज नहीं है राइट सो so, आज यदि मम्मी पापा बच्चा टीन एज में है और यदि बात नहीं सुन रहा है मोबाइल के पीछे पूरी पूरी रात है हमारे पास केसेस आते हैं पूरी पूरी रात बच्चा मे बी पब्जी ना फ्री फायर ना वो खेलते रहते हैं वो वो बच्चे हैं जिनके पैशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए मम्मी पापा ने काम नहीं किया सो so, तो वो सबसे क्रोशियल काम है तो ये पैशन मिलेगा कैसे जैसा पैशन मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने भी अपना जो पहला कोर्स बनाया था हाउ टू फाइंड योर पैशन का बनाया था क्योंकि मुझे लगा था सच में हायर यार ट पैशनेट होकर जब कोई काम करते हो तो वो उसमें मेरे को लगता है कंपेरेटिवली सक्सेस मिलना मतलब आज नहीं तो कल ही जाएगी मिली, जाए। मिली अगर जाए आप सच में पैशनेट वाली चीज पे काम कर रहे हो और मैक्सिमम लोग मुझे लगता है यही प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं वो करना क्या राइट right. वो डिस्ट्रैक्शन right. है मतलब यही चीज थोड़ा वो मिल भी रही है आप लोग ना टीन टाइम पे हम बहुत फैशन ये सब चीज़ में आते हैं और टीन right. टाइम पर लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं इस वजह से कई बार वो ऐसे लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं जो खुद में रोल हाँ रोल मॉडल ऐसे मतलब जो

सो so, उसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले बच्चा क्या करना चाहता है एन्जॉय करना चाहता है उसके बाद में क्या करना चाहता है एक्सपीरियंस करना चाहता है एक्सप्लोर करना चाहता है और उसके बाद में एक्सपर्ट बनता है सो so, ये ई ई एंड ई को हम तीन चीज़ को हम ध्यान में रखें तो वेरी फर्स्ट थिंग बच्चों का जो माइंड है वो किसी भी चीज़ के अंदर एन्जॉय करना चाहते हैं so, सो मैं और आप जब खाना खाएंगे सो वी विल थॉट कि चलो ये काम फिनिश करते हैं ताकि इसके बाद में और कोई काम कर पाए राइट hmm. right? hmm. तो हमारे दिमाग में हम जो है वो टास्क ओरिएंटेड है एडल्ट ब्रेन इज अ टास्क ओरिएंटेड ब्रेन सो अभी ये खत्म होने के बाद ये खत्म होगा तो मैं अभी फ्लाइट पकड़ूंगा अहमदाबाद के लिए जाऊंगा मेरे बेटे को मिलूंगा आपका भी और कोई काम होगा हाँ. उसके बारे में वो होगा कि ये खत्म हो तो हम वो करें करें नेक्स्ट चीज बट बच्चा अभी यहाँ पर होगा तो वो क्या करेगा ये समय को एंजॉय करने पर फोकस करेगा राइट हाँ. right? वो अभी ये पल को प्रेजेंट में रहना चाहता है सो वेरी फर्स्ट थिंग मम्मी पापा यदि बच्चे के पैशन को फाइंड आउट करना है तो बच्चा कौन कौन सी चीजों को एंजॉय कर रहा है दैट वी नीड टू सर्च दैट वी नीड टू फील दैट वी नीड टू एक्सपीरियंस एंड वह 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 बच्चे के साथ में रहते वो हम काम करें सो so बच्चे को मे बी मिट्टी में खेलना पसंद है बच्चे को दौड़ना भागना पसंद है कोई बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है कोई बच्चे को म्यूजिक या सॉन्ग्स या डांस वगैरह पसंद है कोई बच्चे को बोलना या कांड ऑफ छोटे छोटे बच्चे भी स्टोरी टेलिंग बहुत वंडरफुल तरीके से करते हाँ, हैं सो so, हमें वो देखना है कि मेरा बच्चा कौन सी चीज़ को एन्जॉय करता है मज़ा आ रहा है उसको वो सारी चीज़ों में हम उसको क्या करवाएंगे एक्सपीरियंस या एक्सप्लोर करवाएंगे सो मे बी मैंने उसको सिंगिंग के क्लास में डाला स्विमिंग के क्लास में डाला टेनिस के क्लास में डाला अब नाउ यहाँ पर मैक्सिमम पेरेंट्स मुझे क्या कहते हैं सर बच्चा दो महीना जाता है और उसके बाद में क्या बोलता है मन नहीं करता <laughs> मन नहीं करता मुझे और कुछ करना है तो यदि बच्चा एक महीने के बाद दो महीने के बाद बोलता है मेरा मन नहीं करता so, month, <laughs> मुझे और कुछ करना है तो बच्चा नॉर्मल है तो क्या so, है बच्चा नॉर्मल है मुझे बोलते हैं बच्चे तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है उनका दिमाग एक जगह पे फोकस नहीं है मैं वही पेरेंट को पूछता हूँ आपने कभी जब छोटे थे आपने कबड्डी खेला राइट तो क्या दो महीने तक नॉनस्टॉप कबड्डी खेलते रहते थे तो नो हमें उस समय पे जज करने वाले नहीं थे कि कि भाई तू उतना है, है कि हर दो घंटे में गेम बदलता रहता है और उस समय पे हम जो गेम खेलते थे दैट वाज नॉट फॉर द अचीवमेंट दैट वाज फॉर द एंजॉयमेंट सो पैसे ना मिले तो भी खेल खेला जा सकता है और अचीवमेंट ना हो तो भी मजा आ सकता है वो प्रोग्रामिंग हमारा वो लगोरी के अंदर या कबड्डी के अंदर या खो खो के अंदर कंचे खेलते खेलते वो हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट आज यदि लाइफ में कोई सेटबैक आता है कोई भी सिचुएशन आती है तो विदाउट मनी भी हम लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में है सॉरी टू से बट आज की जो नई जनरेशन है उनके अंदर अचीवमेंट के अलावा हैप्पीनेस का जो माइंडसेट होना चाहिए जो प्रोग्रामिंग होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो है ही नहीं सो so, हमें बच्चों को वो बताना है ना इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ महीने की ही फ़ीस भरनी है एंड महीने के बाद मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ बेटा और कुछ करना है राइट right? सो so, बच्चा बोले हाँ और कुछ करना है तो हम महीने के बाद उसकी एक्टिविटी को चेंज कर दें जितना ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों को वो एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस करेगा आउट ऑफ एन्जॉयमेंट नॉट आउट ऑफ फोर्स नॉट आउट ऑफ कि मिस्टर शर्मा ने उनके बच्चों को स्केटिंग में डाल दिया वो आगे चला गया और मैं डाल दूँ ऐसा नहीं बट जो वो 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 बच्चा इन्जॉय कर रहा है उसको हम एक्सपीरियंस वाले लेवल पर ले आए मल्टीपल एक्सपीरियंसिस दे एंड जब बच्चे ने टीन एजिस से पहले या मे बी चौदह पंद्रह साल से पहले ऐसी आठ दस पंद्रह बीस एक्टिविटी को एक्सप्लोर किया हुआ है तो अब उसके माइंड में एक चीज को लेकर ज्यादा लाइकिंग होगा अब हम जब शादी वगैरह में जाते हैं दस पंद्रह बीस आइटम होगी हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं फिर जो चीज ज्यादा अच्छी लगी हम क्या करेंगे उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे राएट, राएट। सेम चीज होनी चाहिए बच्चों के लिए कि फोर्टीन से पहले उसने आठ से दस चीजें एक्सप्लोर कर ली है सो नाउ बच्चा जब फोर्टीन का होता है तो नाउ ही विल चूज कि आई वॉन्ट टू गो फॉर इधर सी और दी सी आई वॉन्ट टू गो फोर एम बी ए विथ एच आर और द मार्केटिंग मे बी मैं शायद फैशन में जाना चाहता हूँ या प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ सो so उसको अपना फोर्टे पता होगा कि मुझे डिजाइनिंग वाला सेक्शन अच्छा लगता है या मुझे प्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छा लगता है मुझे आर एन डी एंड एनालिटिकल पार्ट अच्छा लगता है फाइनेंस एंड एच आर अच्छा लगता है वो तब तक उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी एंड यदि चौदह साल पहले मम्मी पापा ने वो अंडरस्टैंडिंग वो डीप अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर ला दी है तो शास्त्रों के अंदर हालांकि पूरी गुजराती में कहा हुआ मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा बारी बुद्धि माने बारह साल पे बच्चों के अंदर बुद्धि आती है कि मुझे जीवन में क्या करना है मुझे जीवन में सफल होना है मैं कैसा दिखता हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ वो बारह साल पर आती है सोड़े शान माने सोलह साल पर बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए शान माने वॉट टू डू एंड नॉट टू डू सो उससे पहले यदि उसने एक्सप्लोर किया है एक्सपीरियंस किया हुआ है तो 16 साल पे बच्चे के अंदर शान होगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है यदि ऐसा होगा तो मिलेगा बीस से वन बीस पे मिलेगा वन वन इज वॉट मेकओवर एटीट्यूड अटायर डिज़ायर उसका एक्सटर्नल इन इंटरनल बिहेवियर जो वो उस फील्ड में जाना चाहता है वैसा सेम का सेम हो जाना चाहिए बीस साल की एज पे माने बेटा यदि सीए बनना चाहता है या बेटी यदि फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती है तो उसको मिले तो ऐसा लगना चाहिए कि ये ऑलरेडी फैशन डिजाइनर है या ये ऑलरेडी सी है और कोई पूछना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कहाँ पर करते हो एंड देन बच्चा बोलना चाहिए नहीं अभी तो मेरे कॉलेज के दो साल बाकी हैं दो साल के बाद मैं प्रैक्टिस चालू करने वाला हूँ सो so यदि उसका मेक ओवर एटीट्यूड अटायर डिज़ायर बिहेवियर थॉट प्रोसेस वो सब वो करियर के पैराले बीस साल पे हो चुका है तो मिलेगा पच्चीस पे परिणाम तो पच्चीस साल की एज पे वो बच्चे को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी मिलेगी ही मिलेगी एंड वो बच्चा तीस पे मिनिमम करोड़पति होगा एंड ऐसे मैंने काफ़ी सारे जीनियस या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं आप जितने भी मे बी धीरूभाई अंबानी से लेके मे बी वॉर बफेट से लेके बिल गेट से लेके मार्ग जुगरबर्क से लेके सबकी लाइफ को आप स्टडी करो मेजोरिटी ऑफ द लेगो ने अपने करियर की शुरुआत 15 से 16 साल पे करी है पहले के समय में जब करियर नहीं थे तब राजा का राज्याभिषेक सोलह साल की एज पे होता था अच्छा सो so, सोलह साल के पहले उनके अंदर शान मैंने वॉट टू डू एंड नॉट टू डू दैट वॉज वेरी मच क्लियर उस समय भी क्लियर था तो अभी तो और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए बट वो पेरेंट्स ने वो एन्जॉय एंड एक्सप्लोर वाला वो जो जो फेज है वो नहीं गुजरे तो वो बच्चा सोलह साल पे एक्सपर्ट कहाँ पे बनना है वहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस में होगा एंड जो बच्चा यहाँ पर होगा वही ज़्यादातर गलत रास्ते पे जाने के चांसेस है hmm. वही बच्चा वो वीडियो गेम या कोई मारधाड़ धाड़ वाली चीज़ें या मूवी या एक्टिंग या रॉन्ग रोल मॉडल को तभी चूज करेगा जब राइट थिंग्स उसके पास नहीं होगी hmm. तो एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की कि वो उन्हें एक्सप्लोर करवाते रहे, करवाते ताकि रहे, उनको yes. पता चले कि उनको क्या पसंद है और वो इधर उधर दूसरे लोगों को देखता रहेगा मेक सेंस मेक सेंस तो ये एक इशू था हमने आई थिंक पहला हमने जो इशू के बारे में बात किया दूसरा इशू क्या था जो सबसे मोबाइल एडिक्शन मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर ऐसा देखने मिल रहा है कि इसके वजह से फिर वो ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता ऐसे कुछ रिसर्चेस बताती है कि ब्रेन लोगों एच डी ये भी बनते बढ़ते जा रहा है बिकॉज स्क्रोल करते रहते हैं वो लोग अटैच कहीं एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि कहीं रुकना नहीं इधर उधर कुछ ना कुछ करना कर, करते रहना है ऐसा भी सुनने में आता है कि बहुत से बच्चे लोग को अगर आप मोबाइल नहीं दो लोग खाना नहीं खाते कुछ चीजें लिंक कर देते हैं काफी सारे मोबाइल से रिलेटेड ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो आप उस पर कुछ डिफरेंट वर्जन बताओगे कि मोबाइल कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसके सोल्यूशन क्या क्या है कुछ में right. शेयर right. करना चाहो अगर इनफैक्ट मोबाइल से रिलेटेड शायद हमारी कंपनी में रोज पचास से ज्यादा कॉल्स आते होंगे अच्छा एंड जिनको मोबाइल एडिक्शन बढ़ने के बाद मम्मी पापा अवेयर होते हैं सो so, पहला मैं एटीट्यूड कहना चाहता हूँ मम्मी पापा का क्या होना चाहिए एक है रिपेयर का और एक है प्रिपेयर का मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं वो खुद ही मैंने अभी जब मेरे जयपुर में सेशन था पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था तो वहाँ पर वन ऑफ द पेरेंट मिले मैं जस्ट वॉशरूम के लिए गया हुआ था तो बोले आपको कहीं भी देखा है मैंने बोला बाहर जो होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं मेरे अच्छा, ही हैं तो बोले अच्छा हाँ तो बोले पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है हा, हा, हा। तो मैंने कहा का, मैं काम कर रहा हूँ नाइन्टी टू की एज तक काम करना है इतनी ही एनर्जी के साथ और मुझे लगता है अभी मैं थर्टी फोर्टी परसेंटेज पर पहुंचाऊँ और रोज मैं चार पाँच घंटा नया नया सीख रहा हूँ लोगों को मिल रहा हूँ एंड और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो जितना सीखे उतना अच्छा है तो बोले नहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं तो सीखने की कहाँ ज़रूरत है हाँ राइट दैट इज़ दी मेजर एटीट्यूड मैं बोलता हूँ कि वो बच्चे का मोबाइल का इश्यू बाजू वाले रौनक अंकल या शर्मा अंकल है उन्होंने आपके बच्चे को मोबाइल दिया और जो मिस्टर टंडन है वो पर्टिकुलरली आपके बच्चे का रिचार्ज करवाते हैं इसके लिए इश्यू है तो बोले नो बोले मोबाइल किसने दिया बोले हमने दिया रिचार्ज किसने करवाया हमने करवाया तो फिर वो बच्चा जब तक मैं कहूँ उतना मोबाइल यूज़ करे तब तक मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं लगता एंड मम्मी पापा वो मोबाइल का उपयोग कैसे करते बेबी सिटिंग के तौर पे, राइट right? अभी मम्मी पापा बिजी है बातचीत करने में एंड बच्चा अभी आके तंग कर रहा है तो मम्मी पापा क्या करेंगे पकड़ मोबाइल चुपचाप देख परेशान मत कर बात करने दे सो so ना वो मोबाइल को बेबी सिटर के तौर पर मम्मी पापा ने दे दिया नाउ नंबर टू उसके बाद में उसके ऊपर वॉच नहीं किया कि वो स्क्रोल मोबाइल खड़ा रख रहा है कि मोबाइल हॉरिजेंटल uh, uh, है यदि सीधा है मीन्स वॉट वो क्या देख रहा है शॉर्ट्स देख रहा है हर थर्टी सेकेंड में हर फोर्टी सेकेंड में वो कुछ न कुछ नया देख रहा है सो so, वहाँ पर हम बच्चों को रिपेयर बिगड़ जाए उसके बदले रिपेयर करना नहीं है पहले से प्रिपेयर करना है वो माइंड के साथ चलना चाहिए नाउ नंबर टू इन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम बच्चों को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हमने फोन दिया या टीवी देखा इज़ ओके बट हम बच्चे को पहले से बोले कि ये घर का रूल है हम बच्चों को एडवाइस देंगे ऑथोरिटी दिखाएंगे तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे बट हम यदि कहें कि बेटा ये घर का रूल है जैसे हम यहाँ पर गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलाते हैं क्यों बोले ये इंडिया, इंडिया का, का ट्रैफिक का रूल है का और, रूल और, रूल। और कोई कंट्री होंगे वहाँ पर राइट साइड चलाते हैं क्यों बोले वहां का वो रूल है सो सेम में हम फैमिली रूल्स को बनाएं स्पेसिफिकली फॉर द स्क्रीन को लेकर जहां पर डिवाइस फ्री डिनर या डाइनिंग होना चाहिए ओके। okay. so, पहले पापा को को अपना फोन रखना पड़ेगा, को अपना फोन फोन रखना रखना पड़ेगा, पड़ेगा, <laughs> मम्मी राइट एंड ज्यादातर बच्चा क्या देखता है, है, बचपन से मम्मी जब फ्री होती है, तो टीवी आसन करती है <laughs> या मोबाइल आसन करती है तो बच्चा भी जब फ्री होगा तो बच्चा भी क्या करेगा या तो टीवी आसन करेगा या तो मोबाइल आसन करेगा <laughs> पापा भी ऑफिस से घर पे आते हैं बच्चे को डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं क्योंकि मम्मी ने बोला होता है कि डांटो आपका भी बच्चा है हुँ हुँ. तब पापा को याद आता है कि हम मेरा भी बच्चा है राइट हाँ. right? ज्यादातर पापा डांटना नहीं चाहते बच्चों को बट हाँ. मम्मी बोलती है तो डांटना पड़ता है एंड हाँ. क्यों पापा नहीं डांटना चाहते क्यों क्योंकि उसको पता है मेरे मैरिज का काउंसिलर यही है मतलब मेरी शादीशुदा जिंदगी यदि बची हुई है हाँ. so

न्यूज वगैरह सो so सोनाओ बच्चे के माइंड में प्रोग्रामिंग इज वॉट दादा दादी जब फ्री होते हैं टीवी देखते हैं मम्मी पापा जब फ्री होते हैं तो टीवी देखते हैं सो सोना मैं भी जब फ्री हूँ मुझे क्या करना चाहिए टीवी देखना चाहिए। टीवी देखना देखना चाहिए चाहिए सो so, उसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग हम घर के लोग सभी लोग मिलके रूल्स बनाए और जैसे यहाँ पर आपने काफी सारी बुक्स रखी है बुक्स को पहले से प्रमोट करते हो समरीज वगैरह बनाते हो मेरा ये मानना है कि हमें घर के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए आज रूम रूम में टीवी है सही बात है। उसकी जगह पर एक टीवी होना चाहिए टीवी रूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर एंड रूम रूम में लाइब्रेरी होनी चाहिए सो so, मैक्सिमम घरों के अंदर मैंने देखा है कि एक बड़ा सा काइंड का, ऑफ होगा उसमें सौ दो सौ तीन सौ बुक्स पड़ी हुई है बट मैं कहता हूँ हमें क्या करना चाहिए आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट हमें डाइनिंग एरिया के पास ड्राइंग रूम में लिविंग रूम में मे बी टी वी एरिया में मे बी गेस्ट रूम में बेडरूम में हर जगह पर दस से पंद्रह बुक की मिनी लाइब्रेरी बनानी चाहिए सो so, हम जब भी पर्टिकुलरली सो so, मेरा जो हैबिट है सो so, टीवी है टीवी रूम है उसके बाजू में भी हमारा लाइब्रेरी है डाइनिंग एरिया है वहाँ पर लाइब्रेरी है लिविंग रूम है वहाँ पर लाइब्रेरी है बेडरूम है तो लाइब्रेरी भी है प्लस मेरी लेफ्ट जो साइड वॉर्ड्रॉप रहेगा सॉरी साइड टेबल रहेगा मेरी और मेघा की ओर वहाँ पर भी तकरीबन पच्चीस तीस बुक्स हैं सुनाओ so, अध्याय मेरा बेटा वो हर रोज़ क्या करेगा वो जैसे हम बेड पे जाएंगे धमाल मस्ती करेंगे तकिया फाइटिंग समथिंग कुछ करेंगे इमीडिएटली वहाँ से वो, वो चूज़ करेगा कि पापा आज ये बुक पढ़नी है राइट और वो मेरे पास लेकर आएगा एंड मैं उसके लिए बुक पढ़ूँगा सो बिकॉज ऑफ़ सेवन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस और हालांकि उसके साथ मैंने जो पढ़ना है वो लास्ट तीन साल से शुरू किया पहले तीन साल चार साल वैसे ही स्टोरी में टेलिंग मैं करता था बट जब मैंने ये करना शुरू किया है तो ना अब मैं ना भी हूँ तो भी एटलीस्ट वो बुक को देखता है बुक को लेता है ऊपर ऊपर से पंद्रह बीस मिनट ऐसे पेज को पलटाएगा उसके बाद ही सोता है अच्छा आदत बन गया आदत अब हो गई है उसकी राइट सो so, मैं नहीं हूँ तब मेघा ममा का वो रोल है कि उसके साथ पर्टिकुलरली खेलना बातचीत करना और उसके बाद में पंद्रह से बीस मिनट का रीडिंग करना सो so, हमने यदि वो रीडिंग की हैबिट डेवलप करी खाना खाते खाते मोबाइल इज नॉट अलाउड सो हम रेस्टोरेंट में गए यदि आदि का फूड ऑर्डर हुआ एंड तब तक वो फोन देख रहा है क्योंकि सारे बच्चे देख रहे हैं अब जब भी खाना आएगा तो इमीडिएटली वो फोन को साइड पे ऐसे रख देगा खाना खाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि पापा खाना खाना खत्म हो गया है अब मैं क्या फोन देख सकता हूँ hmm. अच्छा वो But, आपने उसको सिखाया तो हमने बताया हुआ है कि ये घर का रूल है hmm. कि खाना खाते खाते स्क्रीन इज नॉट अलाउड सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने और मेघा hmm. ने फोन को बाजू पे रखा है डिवाइस फ्री डाइनिंग राइट hmm. right? वो हमने रखा है बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा अभी फॉलो करता है हम क्या कहते हैं मैंने कहा है, इसलिए तू मत कर ये सबके लिए समझ रहा हूँ तू छोटा है इसलिए तेरा नहीं है ये सही सब का है। सही है तो वो बच्चा डेफिनेटली मानेगा राइट एग्जैक्ट आई थिंक

मेल का नोटिफिकेशन आ रहा है किसी का फ़ोन आ रहा है एंड न्यू ईयर आ रहा है तो पूछती है मम्मा कि बेटा आपको न्यू ईयर गिफ्ट में क्या चाहिए एंड बच्चा बोलता है मुझे फ़ोन चाहिए तो आमिर खान देखता है मैंने एक्टर देखता है पापा देखते हैं बच्चे की ओर बोलते हैं बेटा फ़ोन के लिए तो आप काफ़ी छोटे नहीं हो तो बोले मुझे मेरा फ़ोन नहीं चाहिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए ताकि मैं आपको मिल पाऊँ आपसे मैं बात कर पाऊँ आपके साथ एंजॉय कर पाऊँ आपके साथ शेयरिंग कर पाऊँ सो so, मुझे लगता है जब भी हम फैमिली के साथ हो तब आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा जो भी टाइम हो वैसा पूरा हम फैमिली टाइम स्पेंड करें कि जहां साथ, साथ पर डिवाइस हो। के सब, सब के वो होना बहुत जरूरी वो कल्चर है कल्चर हमारे रूम घर में ही बनाना पड़ेगा खुद बना करना पड़ेगा और तभी वो करेंगे करेंगे और तभी इसके लिए हस्बैंड वाइफ आज कल ज्यादातर ऐसा हो गया है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टच कर सकते हैं बट एक दूसरे के मोबाइल को टच नहीं कर सकते अच्छा राइट सो अभी आई थिंक मूवी भी आया था खेल खेल में समथिंग वहां पर भी वो काफी सारे इश्यूज थे सो जनरली हम यदि फोन को साइड पे नहीं रखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को जो हमारी ओर से इम्पोर्टेंस फील होना चाहिए कि हम वो व्यक्ति की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो फील नहीं हो रहा है एग्जैक्टली exactly, सो exactly, right? so, मैं जनरली जब स्टेज uh, पे होता हूँ मैं कहता हूँ सपोज मैं बात कर रहा हूँ आपसे आप लोगों से इन बिटवीन मैं जस्ट खाली जेब से फोन निकालता हूँ एंड नोटिफिकेशन देखता हूँ देन आफ्टर रख के मैं आपसे बात करता हूँ हर पांच मिनट के बाद एक बार नोटिफिकेशन आया मैंने देखा और मैंने रख दिया सो नाउ सबकॉन्शियसली आपका माइंड में मैसेज किया जा रहा है कि आई एम नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका भी इंटरेस्ट मेरा जो कम्युनिकेशन है उसमें से क्या होगा थोड़ा कम हो जाएगा, जाएगा। राइट so, तो सेम बच्चों का इंटरेस्ट मम्मी पापा के कम्युनिकेशन से कम हो गया है इसीलिए वो बच्चे मम्मी पापा की बातें सुनते नहीं हैं या तो मानते नहीं या तो फॉलो नहीं कर रहे ओके सो okay. so, ये मोबाइल का कल्चर है जो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, है।, है, है।, hmm. right. right. so, है। ना आप कई बार लोगों का ऐसे वीडियोस आते कि बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है राइट right. खाना ही नहीं खाना नहीं खाना है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए आप कोई शिप पे या कहीं पर जा रहे थे एंड कोई आइलैंड पे आप अटक गए फंस गए एंड नाउ वहाँ पर कोई चार्जर नहीं है कुछ भी नहीं है तो बच्चे को भूखा मरने देंगे कि बच्चे को कुछ भी करके खिलाएंगे राइट right? बच्चा आज मोबाइल मांग रहा है कल ड्रग्स मांगेगा तो क्या मम्मी पापा ऐसा बोलेंगे कि ड्रग्स मैं दे रहा हूँ क्यों क्योंकि वो खाना खा ले नहीं मोबाइल के बिना मैंने भी खाना खाया आपने भी खाना खाया हम सब बड़े हो गए सो इट इज नॉट दी पर्टिकुलरली बच्चों का एडिक्शन इट इज़ हमने वो बनाया है इसीलिए वो मांग रहा है बट जो दिन मम्मी पापा दादा दादी सब साथ में मिलके के फम हो जाए कि बेटा आपको खाना है तो आप खा सकते हो नहीं खाना है तो आप टीवी को एंजॉय कर सकते हो इधर यू कैन ईट और यू कैन वॉच टीवी बट दोनों चीज़ साथ में अलाउड नहीं है वो घर का रूल है एंड जब यदि हम वैसा करेंगे बच्चा एक दिन थोड़ा सा टेंटरम दिखाएगा थोड़ा सा रोएगा ये करेगा वो करेगा बट दो घंटे के बाद तीन घंटे के बाद उसको भूख लगेगी तो चुपचाप आ जाएगा बट इन बिटवीन हमें खाली दो चीज़ें यह ध्यान में रखनी है फर्म रहना है और फेयर रहना है फेयर इज़ वाट हम गुस्सा नहीं करेंगे बोले तो बेटा ये रूल है तो ये रूल को फॉलो करने के लिए आप जब यहाँ पर आओगे आपको मैं खाना परोस दूंगी आप अभी आओ घंटे के बाद आओ दो घंटे के बाद आओ रात को दो बजे भी आओ बिकॉज मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ मैं आपको रात को दो बजे भी खाना परोसूंगा बट विदाउट स्क्रीन ओके अच्छा ये बार कई बार ऐसे पेरेंट्स फिर वो हो जाते हैं अनसेटल कि मेरा बच्चा खा रहा ही नहीं, नहीं है खा रहा ही नहीं है जैसे आपने बोला रात के दो बजे आकर दे देंगे लेकिन लोग कह रहा था नहीं ये टाइम पे खिलाना है बच्चों को तो ये भी आई थिंक गलत है आपके कि तीन टाइम खिलाना ही है इसी टाइम पे खिलाना है फिर इसी टाइम पे खिलाना है तो फिर तो मोबाइल है समझ रहा हूँ right, ऐसे right. डायनेमिक्स क्रिएट हो जाते हैं कि अब खिलाना ही खिलाना है राइट तो वो सो यहाँ पर दो चीजें हैं वेरी फर्स्ट थिंग कि यदि बच्चा सेवन टू फोर्टीन वाला है तो उसका हमें क्योंकि हेड डेवलप करना है डिसिप्लिन डेवलप करना है तो उसके लिए खाने का फिक्स टाइम होना चाहिए राइट right? एंड वो टाइम पे खाएगा तो सोना स्कूल का जाना वो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे से मैनेज हो पाएगी बट इन एनी सिचुएशन यदि बच्चा उसमें भी यदि ऐसा कुछ कहता है कि मैं मोबाइल के साथ देखूंगा तो हमें बोलना है वो अलाउड नहीं है बेटा दैट्स हम जितने फर्म रहेंगे जितने फैर रहेंगे

आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे हमारे ही 100, हमारे ही 100, 100, 100. कि फिर वही रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चों में भी वही चीज़ बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है और इनफैक्ट मैं कहूं यदि मम्मी पापा को साथ में खाना खाते हुए बच्चा देखता है आपस में पूरे दिन क्या हुआ वो बातें करते हुए गप्पे शप्पे मारते हुए डिनर करते हुए मम्मी पापा को देखता है तो डोपमिन फैमिली के साथ डेवलप हो रहा है नॉट विद द स्क्रीन तो गारंटी के साथ वो बच्चा बोलेगा ये मोबाइल बकवास है मेरे मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना खाना खाने के वक्त भी तुमने होमवर्क किया कि नहीं अब स्कूल में क्या करवाया तो उतना ज्यादा kind of, प्रेशर, प्रेशर देते रहते कि कई बार बच्चा मम्मी पापा से दूर रहने के लिए स्क्रीन का एडिक्टेड हो जाता है पावरफुल बात बोली आई थिंक कि क्या हमें डोपोमिन जहाँ से मिलेगा उसकी तरफ ही मोबाइल जाएंगे। जाएंगे। हो, हो चाहे, हो, चाहे, हो, चाहे भी हो। कुछ भी हो और आजकल हम जाने, जाने में बच्चे को ट्रेन कर रहे ही, भाई ही मिलेगी हमसे नहीं मिलेगी नहीं। <laughs> नहीं। राएं। ना? राएं। तो राएं। इसके राएं। सब मोबाइल की तरफ हम स... मतलब बच्चे ये हो भी आइसोलेशन की तरफ भाई मैं अकेला गेम खेल रहा हूँ तब तक खुश हो माँ बाप आ जाते हैं तब तो प्रॉब्लम हो जाती है हो जाती है और आइसोलेशन में जा रहे हैं इसलिए आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है आपके साथ हंड्रेड परसेंट और बढ़ता जाएगा मुझे बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा एज ए ह्यूमन बींग हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे फिर है कोई हमें प्यार करे लव इज़ नॉट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट बट द रिस्पेक्ट इज एंड रिस्पेक्ट एंड लव दोनों के लिए हमें कौन चाहिए सामने कोई व्यक्ति चाहिए वो हमें रोबोट से रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता या स्क्रीन से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता एंड जितना वो व्यक्ति उससे दूर रहेगा ह्यूमन कनेक्शन से जितना दूर रहेगा इंटरनली वो उतना खोखला होता जाएगा जितना वो कंपैरेटिवली स्क्रीन और उसके लिए अंदर चला जाएगा। right. हमें एक चाहिए बट हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं मोबाइल में यस yes. और ये हम भी कर रहे हैं और वही चीज बच्चों में भी पास ऑन होते, होते जा रही है इसको लेकर रोसे तो इफेक्ट में भी शायद क्या है सो काइंड ऑफ न्यूयॉर्क के पास में कोई एक गांव कि जहां पर एक डॉक्टर स्टडी करने के लिए गए एंड स्टडी वाज व्हाट कि यहां पर लोग ज़्यादा हेल्दी हैं ये लोग कंपैरेटिवली हंड्रेड इयर्स या उससे ज़्यादा जीते हैं एंड हेल्दी लाइफ जी रहे तो वॉट इज़ द रीज़न बी हैंड मे बी डाइट मे बी एक्सरसाइज़ क्या है एंड वो वहाँ पर गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया लोगों को मिले बातचीत करी सो so उनके खाने में भी वाइन होता था डिनर में मे बी पास्ता ब्रेड्स जो पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क या अमेरिकन सिटीज़ का जो भी पर्टिकुलरली रहेगा वैसा सेम उनका डाइट ऑलमोस्ट सेम था तो बोले ये नहीं है तो मे बी जीन्स का इफेक्ट हो सकता है तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया कई साल निकाले बट सिमिलर उनको मिला उतना कोई मेजर जेनेटिक उतने पावरफुल हो वैसा कुछ नहीं था एंड देन आफ्टर स्लोली ग्रेजुअली दे रियलाइज़ कि यहाँ पर डिनर जो टाइम होता है या इवनिंग जो टाइम होता है तो वहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग मिलते हैं पाँच सात दस कपल्स या फ्रेंड्स मिले हुए हैं वो बातचीत करते हैं दे आर कॉल्ड किचन फ्रेंड्स किचन फ्रेंड्स इज़ वॉट कि जिनके घर पे जाने के बाद हमें पूछना ना पड़े कि क्या मुझे दोगे या फॉर्मेलिटी की जरूरत ना पड़े हम सीधे किचन में जाएं और उनका कुछ खाना ले, ले खा हाँ। भाभी जी क्या बना है हाँ। हाँ। बोले भाई को बाद में देने पहले मुझे दो हाँ हाँ। राइट उतना हम हक से बोल पाए उसको कहेंगे किचन फ्रेंड्स अच्छा तो वहां पर पूरे दिन का जो भी भड़ास था जो भी स्ट्रेस था वो सारा का सारा रिलीज हो जाता था एंड बिकॉज ऑफ दैट दे टू देव अ वेरी लॉन्ग लाइफ अब नाउ जब उन्होंने ये रिसर्च वापस गए Uh, जब ये पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए तो जो यंग जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उनको भी रिसर्च करने के लिए वहाँ पर जाने की इच्छा हुई तो वो यंग जनरेशन के लोग यंग जनरेशन को मिले बोले आप यहाँ पर ऐसी लाइफ जी रहे हो वहाँ पर तो देखो फरारी है पौरशे है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऐसी लाइफ वैसी लाइफ अब वहाँ पर आओ पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारे बच्चे गाँव से शहर की ओर गए मनी को देख के सक्सेस को देख के वहाँ पर गए तो उन्होंने पैसा कमाया पैसा उन्होंने गांव में वापस भेजना शुरू किया एंड फिर उनको लगा कि हमारा क्लास होना चाहिए उसी में माइंड मन, मन के क्लास की वाट लग जाती है राइट तो बोले हम अब ये तालाब में सब लोग जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमारा स्विमिंग पूल वाला गांव के बाहर एक्सक्लूसिवली विला होना चाहिए तो उन्होंने मम्मी पापा के लिए वो गांव का सोसाइटी में से वो छोड़ के विला बनवाया वो देख के दूसरे ने वो देख के तीसरे ने देख के चौथे ने तो डाउन द लाइन थर्टी टू फोर्टी ईयर्स के बाद उन्होंने जब ये रिसर्च किया तो वहाँ पर भी सेम हार्ट अटैक का रेशियो फिर से आ चुका था जो ऑलमोस्ट ज़ीरो था वो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर आ चुका था सो so पूरे रिसर्च के बाद में दे कम टू द कंक्लूजन कि फॉर एनी हार्ट को और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें कोई बातचीत करने वाले जो हमें जज ना करें मैं कैसा दिखता हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ उनको मेरे परफॉर्मेंस से नहीं मेरी प्रेजेंस से लगाव हो जो मैं क्या हूं उसको लेकर मुझे लाइक या लव ना करते हो बट क्योंकि मैं हूं मेरे अस्तित्व को प्यार करते हो वैसे विदाउट जजमेंट वाले आठ से दस ऐसे फ्रेंड्स होंगे वो हमेशा लंबा राइट और यही चीज नहीं मिल पा रही इनफैक्ट मैं देखता हूँ मुंबई या मेट्रो सिटीज के अंदर आस पड़ोस में जो बाजू बाजू वाले हैं या ऊपर नीचे है वो भी ज्यादातर एक दूसरे को जानते नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन वो लोनलीनेस को फुलफिल करने के लिए लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं वो दूर करने के लिए जो लोग ज़्यादा मोबाइल या डेटिंग ऐप या बाकी सारी चीज़ों के अंदर वो ट्रू लव ढूँढ रहे हैं राइट right? बट वो ट्रू लव उनके आजू बाजू में ही कहीं पर है जहाँ पर वो कितने लोगों को प्यार करते हैं इट इज़ नॉट लोग उसको कितना प्यार करते हैं यदि ऐसा होता तो मे बी माइकल जैक्सन वो यदि हाथ ऊपर करे तो पचास हज़ार लोग खड़े हो जाए

दैट्स वेरी 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 पावरफुल आई थिंक सो यू यू जितनी भी रिसर्च और हर चीज़ जाती है ना आई थिंक वही रिलेशनशिप पर आ कर ख़त्म हो जाती है हो सारी है। जो आपकी हेल्दी कितने रहोगे कितना चाहिए कितने सक्सेस इवन एक हैप्पीनेस एडवांटेज करके बुक है वो भी बुक बताती है ना कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपका एडवांटेज बन के आपको लाइफ में भी सक्सेस देता है राइट right. हमें right. खुश रहना चाहिए खुश लोग रहना है ना लोग सोचते हैं कि मैं गाड़ी लूंगा तो खुश होगा नहीं आप खुश रहोगे तो गाड़ी लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको वो, वो बुक के अंदर वो एक हार्वर्ड स्टडी हार्वर्ड का स्टूडेंट था उसने ये रिसर्च करी थी उसने बताया कि हैप्पीनेस कितनी इम्पोर्टेंट रहा हैप्पीनेस में एक बहुत की रोल होता है रिलेशनशिप्स का जो हमने अभी बात करी है ठीक है चलिए अब और प्रॉब्लम पे आते हैं हमने दो प्रॉब्लम एगर टेंट्रम्स के बारे में बात किया स्क्रीन के बारे में बात किया जिसका सोल्यूशन मुझे बहुत सही लगा अपने आप लाइफ में पहले स्क्रीन कम करना चाहिए दूसरों से बच्चे से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद अपनी लाइफ में ऐसे बुक्स रीडर बनो खुद अच्छे से लोगों से बात करो एक एनवायरमेंट आप जैसे रहोगे वही आपका बच्चा बनेगा करेगा और बच्चों को सिर्फ परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो अपने आपको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो इसके लिए मैंने मेरी बुक के अंदर मैंने कोड भी लिखा है कि बच्चों को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें बच्चों के साथ रिलेशनशिप को परफेक्ट करने की कोशिश करें अच्छा राइट right? हम रिलेशनशिप को परफेक्ट करेंगे तो बाकी सब बच्चा अपने आप वो सारी चीजें फॉलो करेगा ही करेगा और रिलेशनशिप को परफेक्ट कैसे कर सकता है आ, जो मैंने बताया सबसे पहले बच्चा कौन सी चीज एंजॉय करता है राइट ओके वो चीज़ जब हम उसके साथ करना शुरू करेंगे Hmm. और उसके बाद में फिर पर्टिकुलरली उसको एक्सप्लोर करवाने पे हम हेल्प करेंगे ओके ओके देन आफ्टर हम उसको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे sure. तो फिर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इसी कोई भी रिलेशनशिप में हर ह्यूमन बीन को एक हैप्पीनेस चाहिए दूसरा प्रोग्रेस चाहिए राइट hmm. प्रोग्रेस hmm. right? चाहिए सो ज्यादातर वाइफ कंप्लेन करती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे राइट right? hmm. क्यों क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि लाइफ इज आल्सो अबाउट प्रोग्रेस एज वेल यदि वाइफ को या हस्बैंड को रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो वो लाइफ सफोकेटेड हो जाएगी एंड मैक्सिमम मैं काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं लाइक uh, like दोनों ने ज़ीरो से शुरुआत करी हो एंड नाउ वो हस्बैंड एंड वाइफ वो लेवल पे फिनंशली पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके घर पर डिनर पर आ रहे हैं जो भी इंडिया की टॉप नॉच एक्सपेंसिव कार हो बोले सीधी वो शोरूम वाले भेज ही देते हैं बाद में बिल रेज होता है राइट टॉप टेन कार उनके पार्किंग में पड़ी होगी एंड बीस साल पहले वो नॉर्मली सेल्समैन का काम कर रहे थे पंद्रह बीस हज़ार रुपये का ऊपर वाले ने बरकत दी और बीस साल में यहाँ पर पहुँचे और बीस साल के बाद में के केस के लिए हमारे पास आते हैं सो so, जब स्ट्रगल थी टॉलरेंस था राइट right? वाइफ ने बच्चों को संभाला सब घर को संभाला एंड वहाँ पर लेकर आए हस्बैंड ने काम किया बट जब ये चीज़ मिली तो अब हस्बैंड उतना ग्रो कर गया लोगों को मिलते हुए बातचीत करते हुए पॉलिटिकल एंड सारे इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए उसने वाइफ के ग्रोथ के ऊपर फोकस ही नहीं किया सो नाउ वाइफ का मेंटल लेवल इज हियर एंड हस्बैंड का मेंटल लेवल इज हियर एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट उसने ये लेवल पे आके वो मेंटल लेवल वाले अफेयर्स करने शुरू कर दिए एंड नाउ वाइफ इज वॉट कि मैंने आपके बच्चे संभाले मैंने पूरा घर संभाला तब जाके मैंने आपके मम्मी पापा को संभाला तब जाके आपने काम किया बट इन बिटवीन जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रोल है इट इज़ लाइक टू लेग्स ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यदि मुझे कोई कहे तो इट इज़ लाइक टू लेग्स ओनली एक जब आगे हो तो दूसरा पीछे होता है तो उसमें जो पीछे वाला लेग है वो कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करता कि यार मैं तो पीछे रह गया क्योंकि उसको पता है कि मैं अभी आगे आऊंगा एंड जब वाइफ का लेग आ गया है माने वो जब प्रोग्रेस करे वो जब बुक रीडिंग करे वो जब कोई अपनी हॉबी के ऊपर काम करे अपने पैशन के ऊपर काम करे एंड तब मम्मी जब काम करिए तब पापा बच्चों को संभाले पापा बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करे उसको होमवर्क करवाने के लिए बैठे ताकि मम्मा फ्री हो मम्मा अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाए तब पापा इन्फीरियर फील ना करें

एंड अदरवाइज जैसे हार्दिक पंड्या या बाकी जो सेलिब्रिटी हो जाने के बाद जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्टेटस को देख के आए हुए होते हैं, right, हैं। वो पर्सन को देख के नहीं आए गलत चीज़ को देख के आया इसीलिए वो थोड़े टाइम में फुस तुँ भी तुँ हो, तुँ, हो जाता है ठीक है तो हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली और थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या है जो बच्चे आजकल फेस कर रहे हैं येस, 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 चोड़ चोड़।

बच्चा जो पहले जो सीखता है वो क्योंकि ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर डेवलप होता है उसके बाद माइंड डेवलप होता है तो जो बच्चे का या कोई भी बॉडी का डेवलपमेंट है वो पहले बॉडी का डेवलपमेंट होगा ग्रॉस मोटर का उसके बाद में फाइन मोटर का डेवलपमेंट होगा माने ग्रॉस मोटर इज फुल बॉडी एक्सपीरियंस तो वो जो छोटा बच्चा है उसको कोई भी चीज वस्तु ये देखेगा तो वो क्या करेगा उसको हाथ में लेना चाहेगा उसको मुंह में डालेगा मुंह में डालेगा फेंकेगा राइट फेंकेगा वो उसको पछाड़ के तोड़ के देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सो so, वो अभी जो है वो उसका ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होता है फर्स्ट फाइव ईयर्स अच्छा एंड इसीलिए वो पहले पांच साल हमें उसकी मैं कहना है चाहूंगा साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है तो हमें पहले पांच से सात साल उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट है मानी जितना ज्यादा भागे जितना ज्यादा फेंके जितना ज्यादा दमाल मस्ती करे तकिया फाइटिंग राइट नाउ डेज अभी इसके ऊपर रिसर्च होता है हार्वर्ड वाले इसे रफ हाउसिंग कहते हैं

So, uh, जैसे मेरा बेटा अध्याय है फर्स्ट अराउंड सिक्स सिक्स तक रोज एटलीस्ट उसका दो से तीन घंटा मिट्टी में खेलना होता ही होता था हुँ. और मेरा और मेघा के लिए टेंशन क्या है कि आज उसके कपड़े गंदे क्यों नहीं हुए अच्छा राइट दैट शुड दैट थिंक कि जो मम्मी पापा को देखनी चाहिए कि यदि बच्चा कपड़े गंदे करके आ रहा है हुँ. कहीं पे कौन के आई है कहीं पे घुटना छिला हुआ है तो हैप्पी होने का खुश होने का क्यों क्योंकि वो समय पे बच्चा अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है एंड यदि उसने अपने पावर्स को डेवलप करने के लिए पांच सेंस का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा कर लिया हाथों का आंखों का मुँह का वो सारी चीज़ों का उतना उसका अब फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा सो so, पहले ग्रॉस डेवलप होगा अब फाइन मोटर डेवलप होगा फाइन मोटर इज़ अबाउट राइटिंग इज अबाउट ड्राॅइंग पेंटिंग आर्ट क्राफ्ट कुकिंग ये सारी चीज़ें ये स्किल्स भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है बट ज़्यादातर मम्मी पापा वो तीन साल के मम्मी पापा मेरे पास आते हैं अभी इनफैक्ट डॉक्टर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के काउंसलिंग के लिए आए एंड मुझे बोले कि मेरा बेटा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता बोले एक जगह पर बैठता नहीं है हैंड राइटिंग हम बोले तो वो लिखता नहीं है मैंने बोला बच्चे की एज क्या है बोले साढ़े तीन साल <laughs> okay. मैंने बोला साढ़े तीन साल आप लेट हो चुके हैं <laughs> अच्छा यदि ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन था तो बच्चा नहीं आपको रोबोट लाने की जरूरत थी कि जो डे वन से परफेक्ट काम करे राइट बट right? बच्चे का मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बच्चों का माइंड इज लाइक अ फरारी मम्मी पापा का काम माइंड को डेवलप करना नहीं है उसकी जो चैसीस है जो बॉडी है वो फरारी जैसे स्ट्रांग करने की जरूरत है राइट मैक्सिमम मम्मी पापा उसको एकदम काइंड kind ऑफ of, uh, मैं कहना चाहूँगा मारुति जैसा बनाते हैं एंड उसका माइंड इज़ लाइक फरारी एंड नाउ अब मारुति की बॉडी में फरारी का इंजन हो उसको आप विजुलाइज करें तो नाउ पहली चीज़ 400 की स्पीड पे दौड़ नहीं पाएगी और दौड़ेगी तो रुक नहीं पाएगी और रुकने के लिए ब्रेक भी यदि मारा तो इंजन चेसिस को तोड़ के आगे चला जाएगा सो so, हमें ये देखना है कि जितना काइंड kind ऑफ of बच्चे का माइंड पावरफुल है आज की जनरेशन का उतना बॉडी को पावरफुल करना वो मम्मी पापा का सबसे पहला रोल है फर्स्ट फाइव टू सेवन ईयर्स में 5 to 7 years, okay. वो जब हुआ इसलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई हाँ. जिसके अंदर भी कहा गया इनफैक्ट सात साल से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ाना लिटरली इज क्राइम अच्छा लिटरली इज क्राइम सात साल से पहले सात साल से पहले okay. मैंने कोई एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मार दे hmm. तो वो दिखता है उसकी पनिशमेंट होती है बट hmm. रोज एक बच्चे के अंदर से स्वामी विवेकानंद मर जाता है रोज उसकी जो क्रिएटिविटी होने वाली थी एंड बिकॉज ऑफ दैट एक आइंस्टाइन उसमें से बनने वाला था फ्यूचर में उसमें से अब्दुल कलाम निकलने वाला था वो जो टैलेंट थी वो मम्मी पापा या टीचर मिलके रोज मारते है, है। हैं उसकी पनिशमेंट ज्यादातर स्किल्स डेवलप होगी फिर पर्टिकुलरली फाइन मोटर स्किल्स होगी एंड जब वो चीज दोनों डेवलप हुई है उसके बाद में ही पर्टिकुलरली फंक्शंस जो हमारे हैं थिंकिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस है वो उसके बाद ही आएगा अच्छा इसीलिए बच्चे को हम छोटे बच्चे को हक करेंगे उसके सर पे या पेट पे हाथ से हिलाएंगे वो उसकी ग्रॉस मोटर को फील कर रहा है वो बच्चा फील करेगा वही बच्चा टीन में पहुँच जाए और यदि हमें आके कोई कोई भी आके कोई अंकल आंटी कोई भी आए और हमें आके हक करे तो हम बोलेंगे भाई अभी थोड़ा दूर रहो राइट वो टीन एज के बाद वो बच्चे की वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो जब बच्चा छोटा है उसको वो लव वो केयर वो टच वो स्पर्श मम्मी पापा के साथ में सोना जादू की जपी जितना ज़्यादा मिला हुआ है उतना वो बच्चा चौदह साल के होने के बाद में उसको वो बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए वीडियो गेम की या ड्रग्स की या वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं ओके okay, ओके okay. और ये नहीं हो पा रहा है इसके जैसे प्रॉब्लम्स हो रही है हो रही है बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है अच्छा बिकॉज ऑफ़ दैट वो बच्चा क्योंकि वो डेवलप जो यूज़ होना था वो नहीं हुआ तो अब वो क्या कर रहा है चालू क्लास में बचपन में ये गमला फेंकने की ज़रूरत थी वो नहीं फेंका तो अब वो बुक फेंक रहा है वो आसपास वाले लोगों को परेशान कर रहा है जो यूज़ होना था वो नहीं हुआ एंड बिकॉज ऑफ़ दैट वो लेटर ऑन वो यूज़ कर रहा है ओके okay. ठीक है तो इसीलिए मतलब आपके हिसाब से सात साल से पहले तो ये सब फाइन मोटर करेगा कर। बट हाँ उतना उसके लिए ज्यादा अच्छा बट है। इंडिया में तो चार साल चार साल पे लगा देते स्कूल कॉलेज में यस स्कूल में डाल देते हैं सीनियर जूनियर चार साल में भी वो तो जो समझदार मम्मी पापा होते हैं वो उसके बाद में तीन और राउट नाउ इट इज ढाई साल

तो तीसरा हमारा जितना बजट हो उसके सेवेंटी परसेंटेज फीस हो वो बेस्ट स्कूल अच्छा ऐसा क्यों हमारे पास काफी सारे केसेस आते हैं अभी हाँ। थोड़े समय पहले काइंड ऑफ मम्मी पापा आ, बेटी मम्मी पापा को बोलती है कि आपके अंदर यदि औकाद ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया अरे बाप ओके पब्लिक इन मॉल अरे रे क्योंकि वो बच्ची ज़िद कर रही थी कि मुझे सो सोए सो कोई मोबाइल का एक डेढ़ लाख रुपए वाला चाहिए एंड मम्मी पापा वॉज वेरी मच शॉक्ड एंड फिर काउंसलिंग के लिए जब आए बातचीत हुई hmm. तो पता चला कि वो बच्ची को उन्होंने उनकी जो क्षमता है उन्होंने सोचा है कि बेस्ट स्कूल में रखेंगे महंगी स्कूल में रखेंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी बट hmm. मैं जैसे आपको सिंपल सी बात बताऊं कि वो बच्चा जब बजट से महंगी वाले स्कूल में जा रहा है सो फॉर एग्जाम्पल दस हज़ार का बजट है और सात हज़ार वाली स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो सेवन थाउजेंड वाले आसपास में आ रहे हैं तो वहाँ पर वो बच्चा अपने लिए प्राउड फील करेगा पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करेगा पर यदि वही बच्चे को एक लाख वाले स्कूल में डाल दें तो वो ए स्कूल में जाने के बाद मम्मी पापा को देसी समझेगा राइट <laughs> एंड right? उसको नहीं लगे कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ उखाड़ा ही नहीं है राइट right, मेरे right. मम्मी पापा ने कुछ किया ही नहीं है right. वो कोई पापा आ रहे है बीएमडब्ल्यू में रखने के लिए आ रहा है कोई मर्सिडीज में आ रहा है कोई hmm. और गाड़ी में आ रहा है एंड जब ये मम्मी पापा होंडा सिटी में छोड़ने के लिए जाते हैं वो अपने लिए इन्फीरियर फील करता है सही है, सही है है एंड मैंने अभी हम ही सोचे एज अ पेरेंट जो भी हमारे ऑडियंस है वो सोचे यदि अभी हमें बॉलीवुड की पेज थ्री पार्टी के अंदर यदि हमको प्लेस कर दिया जाए Hmm. तो हम कैसा लेफ्ट आउट फील करेंगे राइट? Hmm. Right? Hmm. हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे।, करेंगे। hmm. सोचे वैसे सिचुएशन में बच्चा रोज छह घंटे जीता है hmm. करता so, होता that, वो ओवर पावर करने के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है फिर वो मम्मी पापा को इन्फीरियर करवाएगा hmm. so, इसलिए है उससे कम फीस वाली स्कूल में रखे नंबर टू घर से नजदीक जितनी नजदीक स्कूल वो बेस्ट स्कूल है ऐसा क्यों क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो काफ़ी बच रहा है एंड वो टाइम पे बच्चे का स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के इन्जॉयमेंट के लिए बच्चे के साथ खेलने के लिए वो सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं सही है सही है बिकॉज आज महंगी से महंगी कोई भी स्कूल हो आप जब महाराष्ट्र बोर्ड या गुजरात बोर्ड के जो टॉपर्स के रिजल्ट आते हैं सी के या आई के टॉपर्स आते हैं उसमें हमने कभी देखा कि जो टॉप मैंने पंद्रह लाख जो फीस लेती है बीस लाख जो साल की फीस लेती है उसमें से कोई बच्चा है जिसने टेंथ टॉप किया राइट पापा लिंबोरगिनी में छोड़ने जाते थे और वो बच्चे ने टेंथ में टॉप किया आंसर इज एब्सोल्युटली नो सो हमें वैसा लगता है कि जितना ज्यादा महंगा स्कूल होगा उतना ज्यादा अच्छा एजुकेशन होगा उतना ज्यादा फैसिलिटी होगा उतना ज्यादा फैसिलिटी होगा उतने अच्छे क्लासरूम होंगे बट इट ड मीन कि उतना अच्छा एजुकेशन होगा सो so हमें मोर देन स्कूल हमें एजुकेशन देखना है टीचर्स देखने का सोल्यूशन आप दे रहे भी भी लोग के लिए बहुत अच्छी लाइफ चेंजिंग चीज है fact, जो का... नहीं भी है मेरा ये मानना है कि उनको भी ये पॉडकास्ट देखना चाहिए पेरेंटिंग रिसर्च करना चाहिए हाँ। क्योंकि मैं जब बीस साल का था मैंने पेरेंटिंग का बुक लिखा था पब्लिश किया था एंड मैंने जब सेशन लिया था Uh, आज भी मुझे याद है फ़र्स्ट पब्लिक इवेंट रखने के लिए मैंने सिटी फाइनेंस बैंक से सवा लाख का पर्सनल लोन लिया था एंड क्योंकि उस समय पे फेसबुक यूट्यूब गूगल कुछ नहीं था तो न्यूज़पेपर पेपर एड वॉज दी ओनली ऑप्शन एंड ऑडिटोरियम इज़ दी ओनली ऑप्शन सो वो उस समय पे साढ़े चार हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करता था मैं तो so, इतना पैसा तो इकट्ठा कर पाया वैसा कोई सिचुएशन नहीं था सो so, लोन लिया इवेंट रखा चार लोग आए थे उसमें से दो लोग एडवाइस देने के लिए आए थे कि बेटा ये काम बंद करो आपने बी कॉम कर रहे हो तो आप आगे और कुछ करो एम बी ए करो सी ए करो और कुछ करो ये काम बंद करो उस समय पे तीन साल मुझे लगे वो लोन को रीपे करने में अरे बाप रे एंड फिर पापा के पास गया मैंने बोला लोन का अब कल लास्ट इंस्टॉलमेंट जाने वाला है पापा ने बोला क्या करना है मैंने बोला फिर से रखना है अरे बापा तो पापा ने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बोली थी कि बेटा अपने वैसे भी हालत खराब है तो जो होगा इससे अच्छा ही होगा इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता <laughs> <laughs> तीन साल भरा तो और तीन साल और भर देना hmm. पर तेरा पैशन है तो तू फॉलो करके तो देख एंड hmm. जो दिन वो ईएमआई कंप्लीट हुआ नेक्स्ट डे मैंने दूसरा लोन लिया एंड दूसरा इवेंट रखा राइट hmm. सो right? so, वो पेरेंट की ओर से वो सपोर्ट मिल पाए वो तभी मिल पाएगा जब बच्चा दिखावे पे ना जाता वो एड भी है ना दिखावे पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ तो बच्चा जब अपने से महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे बच्चे अपने से ज़्यादा महंगे लैपटॉप अभी वन ऑफ़ दी पेरेंट अपनी बच्ची की कंप्लेन लेकर आए बोले हम उसको यूरोप घूमने के लिए लेके गए एंड शी इज़ कंप्लेनिंग लाइक एनी थिंग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बेटी है अभी कॉलेज में आने वाली है मुंबई से अहमदाबाद काउंसलिंग के लिए आए थे अभी तक ऑलमोस्ट वर्ल्ड देख लिया है एंड शी इज़ फुल ऑफ कंप्लेन बॉक्स राइट right? बोले बेटी नहीं हमारा कंप्लेन बॉक्स है हाँ। मैंने बोले अब किस बात की कंप्लेन बोले मेरे सारे फ्रेंड्स तो बिजनेस क्लास में यूरोप गए थे क्यों क्योंकि उन्होंने जो रखा हुआ है बेटी को वो वैसे एनवायरमेंट में है तो माने अब पैसों की तो कोई लिमिट है ही नहीं सही है भाई right? लग्जरी और फैसिलिटी की लिमिट है ही नहीं सही बात है And एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हमें बच्चों का हेड डेवलप करना है तो कम से कम फैसिलिटी कम से कम लग्जरी होनी चाहिए ये चीज़ राजा महाराजा जानते थे शास्त्रों में पहले के लोग जानते थे कि हम वो बच्चे को फैसिलिटी में रखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे इसलिए बच्चों को आश्रम में भेज देते थे सात साल बच्चे को साथ में रखते थे जैसे ही छः सात साल का बच्चा होता था आश्रम में भेज देते थे बोले वहाँ पर कूड़ा कचरा उठाओ साफ़ सफाई करो गुरु परंपरा के साथ जो भी होता है वैसे आप रहो तो डाउन टू अर्थ होगा एंड डिसिप्लिन के साथ हेड का डेवलपमेंट होगा अब वो जब हेड का डेवलपमेंट हो गया अब बोले हैंड का डेवलपमेंट करने के लिए आ जाओ इसको राजा बनाओ इसको स्किल सिखाओ अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो so, मम्मी पापा को ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी कमाते हैं हम मम्मी पापा क्या बोलते हैं बेटा मैं कमाता हूँ किसके लिए कमाता हूँ तेरे लिए कमाता तेरे लिए कमाता हूँ तो बच्चा बोलता है बस मैं ही उड़ाऊंगा बचपन से मुझे बोला तो मैं ही उड़ाऊंगा इसीलिए उसके दोस्त उसको उड़ाना सिखाए उसे पहले कमाना सिखाना ज़रूरी है एंड वो कब सीखेगा जब अपने आसपास वाले लेवल वाले लोगों के साथ वो रहेगा तब जैसे मैं क्रिएटर आप क्रिएटर हम दोनों नॉलेज की बुक की वैल्यू करते हैं तो हमारे बीच में एक कॉमन पॉइंट है सेम वे वो जो सेम लेवल के जो लोग रहेंगे वहाँ पर वो कॉमन पॉइंट जल्दी से फाइंड आउट कर पाएगा अपने लेवल से ऊपर वाला जब कोई बंदा होगा तो so सम्भव कल जैसे अवार्ड था तो वहाँ पर ज़्यादातर वो फैशन वाले और वो सभी लोग थे वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुंसर वगैरह वगैरह सो सम्भव मैं वहाँ पर बात कर पाऊँ वैसा था भी नहीं कॉमन पॉइंट नहीं था सो सम्भव नहीं था। नहीं था। हाँ। so दो मुझे अवार्ड मिल रहा था रिकगनाइजेशन मिल रहा था मीडिया था सब कुछ था बट देन इवन आई वॉज नॉट दैट मच हैप्पी जितना अभी मैं आपको मिलकर हैप्पी हूँ बिकॉज कि वहाँ पर वो कॉमन पॉइंट है सो so क्या हमने हमारे बच्चों को ऐसे कॉमन पॉइंट्स मिले वैसा पॉजिटिव सर्कल स्कूल में या घर में या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में हमने ऐसा पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्कल सात से आठ फैमिली का बनाया हुआ है तो फैमिली का होना चाहिए जो हमने बताया किचन फ्रेंड्स हो किचन फ्रेंड्स होने चाहिए हमारे तो जिसके घर पे बच्चा टीनेज में जाएगा बोलेगा नाइट आउट करना है

मीन्स वॉट कि वो जानते हैं कि आपको कौन से समय पे कौन सी चीज़ करनी है वो बोलेंगे बेटा यहाँ पर जाओगे एन्जॉय करोगे यहाँ पर जाना enjoy करना आप जितना बोलोगे उससे शायद दस पंद्रह बीस हज़ार और आपको देंगे कि बेटा आपको जरूरत पड़ेगी आप रखना सो मे बी बेटा बेटी जो भी है मम्मी पापा आपके लिए हनीमून की टिकट करवाने वाले से दे नो एग्जैक्टली कि आपको कौन से समय पर किसकी ज़रूरत है एंड अभी ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है इसीलिए आपको रोक रहे हैं राइट बट क्यों क्योंकि वो हाई स्टैंडर्ड वाले बच्चों के बीच में रह रहे हैं तो उनका जो शौक है उनकी जो बातें हैं वो चीज़ को वो रियलिटी मान लेते हैं उनका है। Baseline Baseline है। वो है उनका बेसलाइन है बेसलाइन वही उनका उनको वहां पर कोई कॉमन पॉइंट अपने पेरेंट में मिल नहीं रहा है जैसे मेरे और आपके बीच में बुक्स कॉमन पॉइंट है कंटेंट कॉमन पॉइंट है लाइफ में स्ट्रगल करके आगे आना कॉमन पॉइंट है तो हम एक दूसरे की जो वैल्यू कर पाएंगे और कंपनी को एंजॉय करेंगे विदाउट एनी थिंग विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी हम इन्जॉय करेंगे वो बच्चे वहाँ पर नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिसिंग पॉइंट हम मम्मी पापा बाजू वाले ने कहाँ पर रखा और किसने कहाँ पर रखा और किसने कहाँ पर रखा उसकी जगह पर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें और वैसे स्कूल में रखेंगे नज़दीक वाली और कम बजट वाले ये आपने तो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल बात बोली क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से करीवन मैं भी ऐसे इवेंट पर जाता हूँ जहाँ पर बहुत धमाकेदार अच्छे लोग हैं बट वाइब मैच नहीं होता और वो वाइब मैच नहीं होता मुझे लगता है वो यही है आपने जो बोला कॉमन पॉइंट यस मे बी अगर हम जैसे हम बुक्स हैं हम बुक्स के बारे में अभी जैसे मैं बात कर रहा मेरे को एक काम भी नहीं लग रहा है मेरे को मज़ा आ रहा है एंजॉय कर रहा हूँ मैं कुछ सीखने मिल रहा है मतलब तो मज़ा आ रहा है आई एम फीलिंग मतलब अभी ये मैं घंटों कर सकता हूँ मुझे कोई फोर्स नहीं है एंड विदाउट एनी फ्लो विदाउट एनी स्क्रिप्ट सारी चीजें एज ही चल रही है तो वो फ्लो मेंटेन क्योंकि हमारे बीच में वो कुछ कॉमेलिटीज़ है थिंकिंग पैटर्न हमारे मैच कर रहे तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे अगर हम लोग जो पावरफुल kind of चीज right, right, right. right. तो तो हाँ पहले काइंड ऑफ सोसाइटी शेरी गुजराती में उसको कहते थे हाँ। और चौल या चाल जो चाल हाँ तो सोनी की चाल हाँ तो वहां पर सारे सोनी रहते थे सुथार की पोल हाँ तो वहाँ पर सारे सुथार लोग रहते थे हाँ। राइट सो so वहाँ पर सारे सुथार है वहाँ पर सारे सुनार है वहाँ पर सारे एक ही काम करने वाले हैं तो बच्चे को वो सेम इन्वायॉर्मेंट मिलता था एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वोंट बिलीव बट दैट इज फैक्ट हमें एक्चुअली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है जिसने ताजमहल बनाया उसमें से किसने इंटीरियर का कोर्स किया था बट जिसने इंटीरियर या आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग किया उसको बोलो कि आज तुम मुझे बिल्डिंग बना के दे जो 800 साल तक चले विदाउट सीमेंट yeah. तो वो लेकिन पॉसिबल नहीं है yeah. उस समय पर जो काम होता था इट इज सेट कि जब हम एक काम करते हैं वो माहौल में रहते हैं सेम काम दूसरी जनरेशन करती है वो सेम माहौल में रहती है तो छः जनरेशन के बाद वो जीन्स में आ जाएगा सो सोनी सोनी का सरनेम ही सोनी जस्ट बिकॉज कि सोनी का, का काम करना सोनार का, का काम करना ज्वेलरी डिजाइनिंग करना दैट वॉज इन दैर जीन्स वही नाम से पुकारा जाता था वही सरनेम थी एंड वही काम था तो नेक्स्ट जनरेशन जो वो सात साल का बच्चा वो कर पाएगा वो आज ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स करने के बाद पच्चीस साल का बच्चा जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो आठ साल का बच्चा बिकॉज ऑफ़ दैट एन्वायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट जीनेटिक चेन छः जनरेशन तक यदि एक ही काम करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो सेम काम डे वन से आ जाएगा सो so, अभी हमने क्या किया कुछ यहाँ पर और कुछ काम है वहाँ पर कुछ काम है सारे सोसाइटी में सब लोग अलग अलग हैं ना हम वो चेंज नहीं कर सकते बट क्या हम वो कर सकते हैं कि कॉमन पॉइंट वाले पांच या सात जो हाई फैमिली वैल्यूज़ वाले हैं वैसे लोगों का पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्कल रखें सो जैसे अभी जो पार्टिसिपेंट आए थे पेरेंटिंग के सो so हम क्या करते हैं एक ही सिटी के अराउंड पंद्रह बीस पच्चीस पेरेंट्स हैं जो पेरेंटिंग का कोर्स अटेंड कर रहे हैं वैसे लोगों का पर्टिकुलरली ग्रुप बन जाता है सो so, कोई दिल्ली में है कोई यूके में है कोई यूएस में है सो ट्वेंटी प्लस कंट्रीज में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सो so, वो वहाँ पर यूके के जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वहाँ पर ग्रुप है सो so, ना वो जब पेरेंट्स मिलते हैं तो वो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं लॉ ऑफ इंक्रेजमेंट की बात करते हैं बच्चों के करियर की बात करते हैं राइट right? हमने वो एन्जॉय एक्सप्लोर एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ वाली बात करी तो वो कौन से फ़ेज़ पर बच्चा है वहाँ पर बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया वो सारी बातें करते हैं एंड बच्चे उनकी स्टडी से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो हमारे काफी सारे चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं राइट right. तो उनको भी तब आउटसाइडर नहीं फील होगा बच्चों को भी? नहीं उनको भी लगेगा कि हाँ सब सेम जगह पे। सेम पेस पे वरना पेस हम, हम बात करें भाई बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो लेकिन जिस कॉलेज स्कूल में मे भी बच्चा है वहाँ पे हर जगह सिर्फ पार्टीज़ की बात हो रही है वो लेफ्ट आउट फील करेगा उसको लगेगा कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है जबकि वो अच्छी बातें कर रहा है

कि कई बार पेरेंट्स है ना वो सिंगल पेरेंट की बात उसने बताया एग्जाम्पल दे कि सिंगल पेरेंट है वो मदर वो बोलती कि मेरा बच्चा जो मांगेगा मैं दूंगी क्योंकि मैं उससे तो प्यार करती हूँ मैं उसके लिए हर चीज़ करूंगी तो कोई कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जो बोलेगा वो करने के तैयार में रहता। तो वो आप क्या उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर सिंगल मदर्स बट कई बार पापा का भी ऐसा एटीट्यूड होता है कि, हमने बहुत हाँ ये है हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में मैंने बहुत देखा है बच्चे को नहीं दिखाना चाहूँगा तो वो सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ आपको जो नहीं मिला था वो देने की जो नहीं मिला फलाना लग्जरी नहीं मिली नहीं मिली तो वो देने की भागदौड़ में वो बच्चे को देने की भागदौड़ में मैं कहीं वो देना ना भूल जाऊं जो मुझे बचपन में मिला था एंड एंड लाइफ में मुझे यदि कोई बोले कि लाइफ क्या है तो मैं कहूँगा स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल अच्छा जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उसके चेहरे पे उतनी ज़्यादा डीप स्माइल होगी ही होगी राइट right? जो व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं किया है उसके चेहरे पे जेलसी होगी वो सुकून नहीं होगा वो भलाल देव होगा वो दुर्योधन होगा जिसने स्ट्रगल नहीं किया पापा ने बोला जो मांगे वो दे दो जो मांगे वो दे दो राइट right? तो बिकॉज ऑफ दैट लाइफ में स्ट्रगल क्या है अचीवमेंट क्या है सो इट इज नॉट कि चीज़ें मिलने पे खुशी मिलती हैं स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो एंड ऑफ द स्ट्रगल की खुशी है यदि मुझे और आपको अभी हमें हेलीकॉप्टर से कोई माउंटेन के टॉप पे पहुंचा दे माउंट एवरेस्ट पे और हमें जो डोपोमिन रश फील होगा और नंबर टू एक व्यक्ति है जो छः महीने तक प्रैक्टिस करे राइट एंड देन आफ्टर और पंद्रह दिन वो कोशिश करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और वो जब झंडा गाड़े इंडिया का उसका जो डोपमेंट का लेवल होगा वो अलग होगा राइट सो इट इज नॉट द माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आपको खुशी दे रहा है स्ट्रगल इज इक्वल टू स्माइल सो यदि आज मे बी पोर्शे वाला जो भी किस्सा बना राइट right? या ऐसे ढेर सारे हम किस्से मुंबई अहमदाबाद अलग अलग जगह पर देख रहे हैं वो बच्चे पैसों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि स्ट्रगल के बिना सारी फैसिलिटी मिल गई है सो so, मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि मैं यदि दे दूंगा तो बच्चा अच्छा होगा बट नो बच्चा डिमांडिंग होगा बच्चे को लगेगा दिस इज़ माई राइट राइट दिस इज़ नॉट अर्न राइट मैंने वो अर्न नहीं किया है बट ये मेरा राइट right है एंड इसीलिए बच्चे और ज़्यादा डिमांडिंग और ज़्यादा रेबलियस एंड मैं सिंपल कहना चाहूँगा बच्चे की सारी जिद पूरे करेंगे तो वो दुर्योधन जैसा बनेगा राइट right? वो भलाल देव जैसा बनेगा सो so आपको भलाल देव चाहिए बड़ा हो कि बाहुबली चाहिए जो खुद कैपेबल हो यदि उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया उसने स्ट्रगल किया स्ट्रगल देखा इनफैक्ट लड़ाई में भी हमने देखा था उसको जो भी हथियार वगैरह मिलने चाहिए उसमें भी पार्शियलिटी करी थी पापा ने राइट बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल वो उतना कैपेबल था कि वो झोपड़पट्टी में भी रहा वहाँ पर गांव वालों के बीच में देन इवन ही वॉज़ हैप्पी एंड उसकी हैप्पीनेस को देख के भलाल देव राजा बनने के बावजूद भी ही वॉज नॉट हैप्पी सो हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ फैसिलिटी भोगने वाला नहीं बनाना है हमें उसको हैप्पीनेस को एन्जॉय करने वाला बनाना है और उसके लिए बच्चा जब कोई चीज़ मांगे तो चार या पांच चीज़ें आउट ऑफ टेन चीज़ दे देनी चाहिए इमिडिएटली दो या तीन चीज़ें के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें डालना है जहाँ पर हम उसको बताएंगे कि बेटा बाद में मिलेगी एंड दो या तीन होनी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर स्ट्रेट अवे नो जो बच्चे ने नो नहीं सुना है वो बच्चा जब और किसी को प्यार करे और वो जब लाइफ पार्टनर बनने से मना करे एंड मे बी शायद उसके ऊपर कोई गलत काम कर देते हैं शायद कोई गलत चीज कर देते हैं राइट right? एसिड फेंकना या समथिंग तू तो मेरी नहीं तो और किसी के भी नहीं होने दूंगा काइंड ऑफ दे आर द किड्स की जिन्होंने बचपन से नो सुना ही नहीं है एंड hmm. वो जॉब में जाएगा वो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करेगा वो फ्रेंड्स बनाएगा तो नो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नो नहीं सुन पाते कई बार लोग क्यों क्योंकि बचपन से मम्मी पापा ने सारी चीजें जैसे इन्होंने बताया सारी चीजें दे दी है hmm. तो इसलिए नो नहीं सुन पाते okay. इसलिए मम्मी पापा का एक काम वो भी है कि बच्चे को ना सुनने की आदत डाले hmm. क्योंकि जिंदगी में हर चीज नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती और फिर तो आप मतलब कोई एंड तो तो ही नहीं रहेगा आपका आप तो मतलब कोई ना मुकेश अंबानी के बेटे को हेल्थ चाहिए समाह उनके हेल्थ की चैलेंजेस है तो वो भी उनको चीज नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है वो आ, वो आना चाहिए अभी जैसे जिनका आई थिंक मिस्टर झुंझुनू वाला जिनका गोल था कि मेरे बच्चों की शादी में अटेंड कर पाऊं राइट फोर्टी करोड़ के मालिक होने के बावजूद उनका खाली गोल ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ एंड नंबर टू बच्चों की शादी अटेंड कर पाऊँ उतना छोटा सा चीज़ उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाया फोर्टी टू थाउजेंड करोड़ होने के बावजूद भी यदि ये, ये गोल पूरा नहीं हो पाया तो ना तो जीवन का हिस्सा ही है वो यदि हमने मम्मी पापा ने बच्चों को नहीं दिया तो मुझे लगता है मम्मी पापा ने सबसे बड़ा क्राइम किया है अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों प्यार के साथ उनको लग रहा है वो प्यार कर रहा है बट आप प्यार कर आप बेसिकली इसके ऊपर एक स्टोरी आ जाती है बहुत फेमस आपने शायद सुनी होगी कैटरपिलर और बटरफ्लाई की स्टोरी है कि एक कैटाप्ल एक ककून में एक कैटरपिलर निकलने की कोशिश कर रहा हाँ। था स्ट्रगल करके हाँ। निकल रहा था तो एक निकला और निकल गया दूसरा स्ट्रगल कर रहा था तो बच्चे ने सोचा कि अरे बहुत स्ट्रगल करा चले इसकी मदद कर देता हूँ तो उसने खुद से वो ककून को तोड़ डाला और फिर वो जब निकला वो बटरफ्लाई तो वो बटरफ्लाई स्ट्रांग नहीं था और वो मर गया क्योंकि जब वो Uh, बटरफ्लाई तभी बनता है जब वो स्ट्रगल करके खुद से प्रेशर लगाता है और बाहर निकलता है इवन right. ये बच्चों में भी होता है जब मतलब प्रेगनेंसी में भी बच्चे जो मैंने सुना हो ऐसा कि जो नेचुरल निकलते हैं खुद से वो ज्यादा स्ट्रॉग होता है उसी सेक्शन uh, से होगा उसमें definitely फर्क होता है जब पहले जो सर्कस वगैरह होते थे उसमें शेर वगैरह रखते थे उनसे वो रिंग मास्टर शो वगैरह करवाता था हमने बचपन में, में देखे हुए बट देन आफ्टर वो पैटा वगैरह सब लगा एंड वो जानवर को रखने से मना किया तो गोल्डन ग्रेट गोल्डन सर्कस उसमें से जो काफ़ी सारे शेर वगैरह थे उनको जंगल में छोड़ा गया और जैसे उन्होंने जंगल में छोड़ा तो जंगल के कुछ शिकारी कुत्तों ने साथ में मिलते हुए लकड़बगों ने सबने साथ में मिलते हुए वो शेर का शिकार कर दिया अरे बेचारा क्यों क्योंकि वो शेर को बैठे बैठे वो अपना खाना खाने, खाने की आदत हो गई थी वो शिकार करना भूल गए थे और दूसरी और भूखे रहते हुए लकड़बग्गे और जो शिकारी कुत्ते थे उन्होंने शिकार करना सीख लिया था उन्होंने शेर को मार डाला तो इसीलिए उन्होंने शेर को मार डाला सो लाइफ इज ऑल ऑलवेज अबाउट एक है हैविंग और एक नॉट हैविंग सो गाँव से लोग जो जिसके पास नॉट हैविंग है वो हमेशा हैविंग वाले की तरफ आकर्षित होता है राइट सो गाँव से लोग शहर आएंगे मुंबई में जो लोग आते हैं और वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं क्यों क्योंकि वो नॉट हैविंग वाले फेज में है तो उसका शिकार करना उसका वो आग उसका वो काम करना रात के दो बजे तक काम करना डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हुए काम करना फुल्ली फोकस मोड पे काम करना इस, उसका वो जीन्स में है उसकी वो रिक्वायरमेंट है बट एट द वेरी सेम टाइम एक पापा मम्मी सक्सेसफुल है तो so, इसलिए सचिन तेंदुलकर नॉर्मल फैमिली में सचिन तेंदुलकर बन सकता है बट सचिन तेंदुलकर के घर पे दूसरा सचिन तेंदुलकर हो वो शायद मुश्किल है राइट right? जितेंद्र कपूर के घर पे जितेंद्र कपूर दूसरा तैयार हो वो तुषार कपूर हो सकता है अभिषेक बच्चन तैयार हो सकता है बट वहाँ पर और किसी को पावरफुल बनाना उसके लिए मम्मी पापा का डेडिकेशन एंड डिवोशन चाहिए एंड मैं सारी चीज़ें जो मुझे मिली है वो बच्चों को बैठे बैठे कभी नहीं दूंगा एंड इन अ वे में बी बिल गेट्स मैं भी स्टीव जॉब्स मैं देखता हूँ किराने की दुकान यहाँ पर चला रहा है और बोलते हैं मेरे बाद बेटा तेरा ही है और स्टीव जॉब ने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि बेटा मेरे बाद ये पूरा एम्पायर तेरा है बिल गेट्स ने कभी नहीं कहा और उनके अभी बच्चे वो कंपनी में काम कर रहा है कि और कहीं पर हमें पता नहीं राइट सो दैट इज द रियल वे कि जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तो उसको satisfaction होगा, वरना वो ड्रग्स और फालतू चीजों में वो satisfaction satisfaction की दुणे की दुणे कोशिश करेगा क्योंकि उसको वो स्ट्रगल ही नहीं मिला एवरी गुड एक्चुअली हम स्ट्रगल से भागते हैं बट सच ये हम सब स्ट्रगल की चाहिए हमें वी क्रेव स्ट्रगल हम yes, हम स्ट्रगल के भूखे हैं हाँ, और वो स्ट्रगल, क्योंकि वो क्योंकि स्ट्रगल करके हमें सक्सेस चाहिए चाहिए तभी डोपिन बनेगा हाँ। अच्छे कामों से और ये हम रियलाइज नहीं करते नहीं करते हमको चाहिए हमको लगता है हम कंफर्ट देते हैं बट एक्चुअली हमको स्ट्रगल चाहिए। को, को, को भी स्ट्रगल चाहिए। भी स्ट्रगल चाहिए 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 बॉडी बॉडी को को सबको भी भी बनाने के लिए हमें स्ट्रगल चाहिए सो जब बॉडी थक गया उसके बाद में हम बोलेंगे ट्रेनर को कि रख दो तो ट्रेनर क्या बोलेगा नहीं और आपको दस लगाने हैं और आपको पाँच लगाने हैं थकने के बाद लगाओगे उतने मसल्स डेवलप होंगे सेम वे बच्चों का वो काइंड ऑफ जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया तो ही वो सक्सेसफुल होगा वेरी पावरफुल और एक्चुअली आपने जो बात बोली वो है भी असर जैसे अमेरिका इंडियंस कई सारे जो इंडियंस भूखे होते हैं वो अमेरिका जाते हैं और मैंने वो रिसर्च देखी थी कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोगों

अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रेजिलियंस जो होता है वो कैसे डेवलप करें उनको स्ट्रगल्स में जानबूझ कर डाल के अलग अलग जगह पर स्ट्रगल्स में डालना चाहिए स्ट्रगल्स में डालना चाहिए एंड नंबर टू उस समय पर हमें गैर हज़ार होना चाहिए नहीं रहना चाहिए सो so, बच्चा छोटा है जैसे मेरे बेटे अध्याय की बात करूँ तो वो जब छोटा था चलना शुरू करेगा दौड़ेगा तो डेफिनेटली गिरेगा सो वो गिरेगा तो मैं और मेघा क्या करते थे मैं जैसे हम तीनों वॉक करने के लिए निकले तो वॉक करें तो हम मैं और मेघा जैसे खाली खड़े रह जाएंगे और बातचीत चालू रखेंगे वो गिर गया तो जस्ट गिरेगा फिर वो हमारे सामने देखेगा हम नॉर्मल बातचीत चालू रखेंगे वो अपने आप खड़ा हो जाएगा वो जब खड़ा होता था मैं और मेघा ताली बजाते थे तो वो भी खड़ा होता था हंसता था और ताली बजाता था अच्छा राइट सो उसके माइंड में वो गिरने से चोट लगती है वो जो वो प्रोग्रामिंग है वो हुआ ही नहीं सो so, तभी वो बच्चे का रेजिलियंस डेवलप होगा वो खुद खड़ा होगा यदि मैं दौड़ के चला जाऊँ बेटा मेरा बेटा गिर गया मेरा बेटा गिर गया नहीं वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए एंड यदि वो होगा तो मैं ज़्यादातर उसका रात के समय पे मालिश करूँगा अभी सात साल की एज है तो अभी वीक में दो या तीन बार अदरवाइज पहले छोटी एज में डेली बेसिस पे रात को तो दो चीज़ें होगी बॉडी स्ट्रांग होगा नंबर टू मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर चोट आई है अच्छा राइट सो मे भी उसका घुटना कहीं पे छिला होगा कहीं पे पैर पे कहीं पे और चोट लगी होगी या कोहनी पे उसका छेला होगा तो मुझे जस्ट पता चलेगा एंड उसने कभी तक कंप्लेन नहीं करी कि मुझे ये चोट आई ना वो चोट आई बिकॉज हमें वो था कि वो कुछ करे ना करे उसको बॉडी से पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाना है रेजिलियंस उसका फिजिकल स्ट्रांग बनाना है सबसे पहले मेंटली बाद में करना है राइट right. और लोग कई बार ये सब चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते एक साथ, करते साथ में करने की कोशिश करते हैं जो है गलती हो जाती है गलती हो जाती है सेंस सेंस और कई बार यही होता है ये पेरेंट्स भी ना मतलब इसका कंक्लूजन सकता में लोगों को एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए मतलब बच्चे से प्यार करो बट इतना एक्सट्रीम में मत करो कि आप भी अपने बच्चे का बुरा करने लग जा रहे हो उनको मे बी हर उनकी बातें मान के उनकी लाइफ से स्ट्रगल्स हटा के आपने उसको एक छुई मुई बना के रख दिया, छोड़ दिया फिर एक्चुअली वो प्यार नहीं है वो जो है वो प्यार नहीं है वो अटैचमेंट है जिसको शास्त्रों में राग कहा गया है वो अटैचमेंट है मैं यदि किसी को प्यार करता हूँ तो मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा होने दूंगा राइट मैं यदि प्लांट को प्यार करता हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि प्लांट सनलाइट को बैर करे तो ही उसके अंदर वो फ्लावर आएगा राइट सो दैट इज नॉट द ट्रू लव हम अफेक्शन को या अटैचमेंट है उसको हम लव समझते हैं तभी प्रॉब्लम होता है इट इज ए डिसिप्लिन इज अक्ट ऑफ लव डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव मीन्स वॉट एक बच्चा है उसने चॉकलेट की जिद की और मैं एक किलो चॉकलेट का डब्बा उसको दे दूँ एंड बोलू बेटा खाओ सो so क्यों क्योंकि मैं बने बच्चे को प्यार करता हूँ सॉरी दैट इज नॉट योर लव दैट इज योर अटैचमेंट एंड डिसिप्लिन uh, यदि मैं बच्चे को सिखाऊँ मैं वही एक के जी चॉकलेट लूँ बट मैं रोज बच्चे को एक एक चॉकलेट दे रहा हूँ तो वो बच्चा लॉन्ग टर्म में उसके दांत अच्छे होंगे उसकी हेल्थ अच्छी होगी उसको बुखार या सर्दी या खांसी नहीं होगी तो वो पूरी वन के जी चॉकलेट में भी थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड चॉकलेट्स होगी वो एट दिस पैन ऑफ वन ईयर थ्री सिक्सटी डेज या थ्री सिक्सटी फाइव डेज में वो चॉकलेट को भी एंजॉय कर पाएगा साथ ही साथ में हेल्दी भी रहेगा सो दैट इज द डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव राइट हम क्या करते हैं तीन मैंने चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने रख दिया बोले तुझे जो खाना है खा ले सो नाउ दैट इज नॉट द लव दैट इज वॉट अटैचमेंट इज ये अटैचमेंट बुरा क्यों है क्योंकि वो वो चाहता है कि बच्चा मेरी वजह से खुश रहे बच्चा खुश रहे नहीं मेरी वजह से खुश रहे दैट इज दी ईगो वो ईगो बच्चा मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो उसके लिए उसने मांगा पी एस फोर और मैंने दिला दिया आ, वन ऑफ दी पेरेंट अभी आए थे यूके से काउंसलिंग करवाने के लिए इंडिया आए थे काउंसलिंग करवा के दूसरे दिन की फ्लाइट में वापस गए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था एंड प्रॉब्लम किस चीज़ का था अटैचमेंट वर्सेज लव का अच्छा राइट right? सो so, बच्चे ने बोला कि पी फोर चाहिए तो बोले दिला दिया बोले ये गाड़ी चाहिए तो बोले दिला दी उसका जो बर्थडे था तो बोले समथिंग ऑडी का कोई मॉडल था उसको पसंद था पापा ने फोन करके मंगवा दिया बोले अब बोले बच्चा बोले अब कुछ करना ही नहीं चाहता मेरा बिजनेस हैंडल नहीं करना चाहता ऑफिस पे आता है तो अभी गेम खेलता रहता है आ, ये करता है वो करता है तो बोले थर्टी का हो गया है पर अभी थर्टी का लग नहीं रहा है थर्टीन का लग रहा है तो मैंने बोला अभी थर्टीन की तरह ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो तो थर्टीन का ही रहेगा सो so, यदि हमने जो अपनी बात चल रही थी अटैचमेंट मेरा बच्चा मेरे कारण खुश रहना चाहिए वो मुझे अच्छा बोलना चाहिए उसको लगना चाहिए कि मैं उसके लिए बेस्ट मम्मी हूँ बेस्ट पापा हूँ वहां से वो राग की वहां से वो अटैचमेंट की शुरुआत होगी बट मैं यदि कहूँ कि मैं हूं या ना हूं वो मुझे अच्छा माने या बुरा माने मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ ऊपर वाला उसको खुश करे ऊपर वाला उसको बरकत दे राइट right? वो है रियल लव सो so, मैं जब किसी को प्यार करता हूं तो मैं उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूँगा मैं उसको डिसिप्लिन करने पे फोकस करूंगा मैं उसको कहूंगा कि आपको सुबह में उठ के वॉक करना चाहिए आपको जॉगिंग करना चाहिए वो नहीं उठेगा तो जो बेस्ट फ्रेंड होगा रियल फ्रेंड होगा वो सुबह में उठाएगा एंड जो अच्छा वाला फ्रेंड नहीं होगा वो रात को जगाएगा वो बोलेगा पार्टी करो ना सुट्टा मारो ना चलो यहाँ पे जाते हैं ना वो पब में जाते हैं ना ये डिस्को थेक में जाते हैं वो रियल फ्रेंड नहीं है कि वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म सोच सोच के वो सोच जीने रहा है, के वो वो जीने लिए कर अटैचमेंट के कारण उसको लग रहा है कि ये सब करूंगा तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी सो so, जो एसेंस जो लाइफ का बनना चाहिए रिलेशनशिप का वो बन नहीं पाता राइट और ये डायनेमिक्स आई थिंक इंडियन फैमिलीज में कई बार होता है जैसे माँ बाप कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर कोई एक जन ही स्ट्रिक्ट होता है एक को बेस्ट माँ बेस्ट बाप एक बनना होता है।, bad cop. Bad cop होता है बैड कॉप होता है कई बार right, ऐसा right, होता है और कई बार दादी दादा का इंडियन में हमारे जॉइंट फैमिली होती है तो दादी दादा नानी नाना होते हैं तो पेरेंट्स कई बार ट्राई कर रहे होते हैं कि बच्चा ना करे कुछ चीजें पर दादा दादी करवा पर दादा देते दादी प्यार में क्योंकि बच्चों के लिए तो वहाँ पे दादा दादी बहुत अच्छे हो जाते माँ बाप खराब होने लगते हैं ऐसा भी होता है ऐसा होता है और इससे कैसे डील किया जाए है साइकोलॉजिकली दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल पावर स्ट्रगल ओके सो हर एक व्यक्ति रिलेशनशिप में अपना पावर चाहता है कहा तो वो ये करना चाहिए मैंने कहा तो मेरे पास बच्चा आना चाहिए वगैरह वगैरह सो so नाउ अब वो बच्चा मम्मी पापा के साथ है दादा दादी के साथ नहीं है प्लस वो भी रिटायर्ड है तो अभी मम्मी पापा का भी ध्यान उनके करियर में बच्चों में सोशल लाइफ में अलग अलग जगह पर वो है सो नाउ दे आर फीलिंग वाट पावरलेस सो नाव अब उनको क्या लगता है कि मैं बच्चे को मोबाइल दिलाऊंगा या आइसक्रीम दिख दिखिलाऊँगा ये करूंगा तो बच्चा मेरे पास आएगा मेरी बात सुनेगा तो मुझे वो जो काइंड ऑफ अटैचमेंट मुझे जो फील होना चाहिए वो मुझे होगा मैं थोड़ा पावरफुल फील करूंगा कि ये मेरा पोता या मेरा नाता उसकी मम्मी की बात नहीं सुन है पर मेरी बात सुनना है सो आई एम फीलिंग पावर राइट सो बिकॉज ऑफ दैट पावर स्ट्रगल डायनेमिक्स वो दादा दादी कई बार बच्चे के लिए अच्छा ना हो वैसा काम करते हैं इसको मैं कहता हूँ एम डी पी दैट इज़ मल्टी डिरेक्शनल पेरेंटिंग सो एक प्लांट है ये प्लांट में यदि एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि इसको हम इंडोर रखें एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम इसको आउटडोर रखें एक व्यक्ति उसको धूप में रखे एक व्यक्ति बोले रोज पानी पिलाओ एक व्यक्ति बोले हफ्ते में एक बार पिलाओं एंड चार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देंगे तो प्लांट ग्रो होगा कि स्पॉइल होगा स्पॉइल हो जाएगा सेम वे एक बच्चा है वो प्लांट के समान है एंड हम सब उसके माली हैं मालिक नहीं माली है राइट सो एज ए गार्डनर के तौर पे मम्मी ने बोला हफ्ते में एक बार जंक फूड पापा ने फ्राइडे को उसको पिज्जा मांगा पिज्जा दिला दिया राइट right? अभी सैटरडे संडे आना था संडे को मामा का टर्न था कि मम्मी ने बोला कि एवरी संडे को मिलेगा अब सैटरडे को क्योंकि पिज्ज़ा खाया उसके बाद में वो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें खानी अच्छी नहीं लगेगी सो नेक्स्ट डे बॉडी एंड गट जो है वो वो सेम चीज़ मांग रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा क्या करेगा अब दादा के पास जाएगा मुझे ये खाना है वड़ा पाँव खाना है ये खाना है वो खाना है और दादा दादी क्या करेंगे पावर स्ट्रगल के कारण वो बोलेंगे चलो मैं खिला देता हूँ ताकि बच्चा मेरा हो जाए सो दैट इज दे आर थिंकिंग दैट इज़ देयर लव बट दैट इज़ नॉट देयर लव दैट इज़ वॉट दी अटैचमेंट बच्चा मेरे कारण खुश हो तो मैं बच्चे को भलाल देव बना रहा हूँ बच्चा खुश हो तो उसको मैं बाहुबली बना रहा हूँ एंड जब वो दादा दादी दिला देते हैं तो एक ने हफ्ते में पानी दिया एक ने दो दिन में पानी दिया एक ने चार दिन में दिया किसी ने धूप में रखा किसी ने छाव में रखा अब यही बच्चा बड़ा होगा तो प्लांट स्पॉइल होगा कि ग्रो करेगा हो सेम वे अब ये बच्चा है वो ग्रो करेगा कि स्पॉयल होगा एंड देन आफ्टर क्या होता है बच्चा बिगड़ जाता है तो बोले मोबाइल ने बिगाड़ा और बोले मोबाइल बिगड़ जाए तो बोले बच्चे ने बिगाड़ा राइट सो मम्मी पापा दे डोंट नो कि उसमें दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट नोइंग कि दे आर रिस्पॉन्सिबल इसीलिए उनको क्या लगता है मोबाइल के कारण बिगड़ा है हाँ, सबको लगता है, है कि पे? वो मोबाइल के कारण या टीवी के कारण या सोशल मीडिया के कारण या बोले कुछ नहीं मिला तो बोले गलत दोस्तों के कारण बट गलत दोस्तों के पास जाना क्यों पड़ा वो प्रश्न यदि पेरेंट अपने आप को पूछना शुरू करे तो शायद बच्चे को गलत दोस्त की जरूरत नहीं है उसको कोई सुनने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है जो दादा दादी यदि ऐसा माने कि मोबाइल या वीडियो गेम या ऐसी चीज़ों से बच्चे मेरे पास आते हैं बट वही दादा दादी यदि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमने उनके लिए स्पेशल मॉड्यूल है जहाँ पर वो बच्चों को पर्टिकुलरली स्टोरी बुक पढ़ाए तेनालीरामन है, तेनाली है पंचतंत्र है अकबर बीरबल है बच्चे यदि छोटे हैं ऐसे स्टोरी टेलिंग यदि हर दादा दादी अपने बच्चों के साथ करना शुरू करें मम्मी पापा और बिजी विद देयर करियर तो दादा दादी यदि वो काइंड kind ऑफ of संस्कार देने का काम दादा दादी और नाना नानी से बेहतर कोई नहीं कर सकता बट क्योंकि दादा दादी मोबाइल में बिज़ी है उनको लगता है मोबाइल के कारण बच्चा आ रहा है मोबाइल के कारण नहीं आ रहा है डोपबिन के कारण आ रहा है वो डोपिमिन स्टोरी के माध्यम से बच्चे को यदि जादू की झप्पी देंगे उसको सर पे हाथ घुमाएंगे उसको जेन्यून अप्रिशिएट करेंगे उसको अच्छी संस्कार वाली बात सिखाएंगे तो भी क्रिएट होगा राइट राइट उनकी बस हर जिद मानने की जरूरत नहीं है अच्छा जब लेकिन ऐसा पावर डायनेमिक्स रहेंगे मतलब मिक्स फैमिली जब लोग है ज्यादा तो उसका सलूशन क्या है मतलब क्या करना चाहिए ऐसा मतलब कुछ रोल सेट कर देना चाहिए कि खाना सिर्फ मतलब एक क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल दिया ऐसा होता है मतलब मैंने भी देखा है आसपर, कि कभी किसी ने एक अपने हम तो को लग रहा है एक ही बार दे रहे, लेकिन पांच अलग अलग लोगों ने एक बार दे दिया तो <laughs> 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 समझदार है तो वो टाइम पे कुछ से सेट करना जरूरी है इसकी सुनना पड़े ऐसा रूल है साइकोलॉजी सो जैसे आपकी कंपनी है कंपनी में आपने एक व्यक्ति को एडिटिंग का रोल दिया है एक व्यक्ति को फाइनेंस का रोल दिया है एक व्यक्ति को कंटेंट का रोल दिया है कोई व्यक्ति शूटिंग कर रहा है आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो फ्रंट फेज हो राइट right? अब नाव झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति है वो आके बोले कि मैं आके शूटिंग करूँगा तो अब क्या बोलोगे अभी आपका, नहीं। नहीं आप तो अभी आपका वो रोल नहीं है अब जो स्किल डेवलप करोगे तो बात अलग है बट अभी आपका वो रोल नहीं है सेम वे हमें घर के अंदर भी करना चाहिए सो so, मम्मी को हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं बट ज़्यादातर इंडियन घरों में मम्मी को अथॉरिटी नहीं देते सो so, बच्चे बिगड़ जाए तो बोले माँ के कारण बिगड़ा है बट वो माँ को अथॉरिटी हमने दी ही नहीं है कि उसके डिसीजन ले जब उसने बच्चे को रोका या होमवर्क करवाने के लिए बोला या उसने पिज्जा ना खिलाने के लिए बोला या टी ना देने के लिए बोला तो उस समय पर दादा दादी ने या पापा ने ओवर रूल कर दिया सो so, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर ऑथॉरिटी नहीं है तो क्या वो व्यक्ति कंपनी में परफॉर्म कर पाएगा तो क्या वो माँ जो बच्चे को संस्कार दे रही है जीवन को तैयार कर रही है, क्या वो परफॉर्म कर पाएगी आंसर इज नो। एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए जो जो कर सकता है वो उसका बॉस है सो फॉर एन एग्जाम्पल कि मम्मी है मम्मी खाना खिला सकती है मम्मी खाना बना सकती है तो वहां पर वो बॉस है सो so बच्चे के फूड को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है एनी वन इन द फैमिली इज नॉट अलाउड एवरीबडी विल आस्क बच्चा बोले कि मुझे चॉकलेट दिलाओ पापा को पूछना पड़ेगा बेटा मम्मी को पूछ के आओ मम्मा बोलेगी तो ही होगा दादा को बोला कि पापा दादा आइसक्रीम खिलाओ बहुत टाइम हो गया दादा क्या बोलेंगे बेटा मम्मा को पूछ के आओ तो अब जैसे मंदिर पे जाना है या संस्कारों की बात है या फैमिली वैल्यूज़ की बात है वो यदि दादा दादी करते हैं राइट तो उसको लेकर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पापा है दे आर ही इज़ लुकिंग फॉर दी फिज़िकल एक्टिविटी भागना कूदना दौड़ना तो उसको कौन से स्पोर्ट्स में रखना कौन से नहीं रखना है उसके लिए फुल्ली अथॉरिटी कौन बोले पापा राइट right? सो so, जैसे मेरा बेटा है उसको स्कूल के लिए उठाना तैयार करना नहलाना और स्कूल बस तक ड्रॉप करना दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रात को स्टोरी टेलिंग करना तकिया फाइटिंग करना रीडिंग की हैबिट डेवलप करना दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको लेकर उसको कौन सी बुक दिलानी है So, मैं और मेरा सात साल का बेटा हम दोनों बुक शॉपिंग के लिए जाते हैं तीन बुक लेनी है क्यों hmm. मैं ले सकता हूँ पचास बुक सौ बुक पांच सौ बुक hmm. बट बोलता हूँ दो बुक पापा लेंगे। ah. आपकी एक बुक ज्यादा होगी पापा की एक बुक हमेशा कम होगी राइट हीसाइटेडा से ज्यादा मिल रहा है एंड वो जाता है वो चूज करता है सारी चीजों का भाव पूछता है एंड उसके बाद में हम तीन बुक लेते हैं पर्टिकुलरली हम रस्ते में डिस्कशन करते हैं और दस या पंद्रह दिन में जब वो तीन बुक ख़त्म होगी हम फिर से और कोई शॉप में जाएंगे और वहाँ पर जाकर तीन बुक खरीदेंगे सो so सोनाओ यदि मैं रात को थका हुआ हूँ एंड कोई भी सिचुएशन में जैसे भी आज रात को लेट पहुँचूंगा मैं घर पे तो वो जागेगा पहले सो जाएगा मैं पहुँचूँगा वैसे ही जागेगा एंड बोलेगा पापा चलो बुक पढ़ के बताओ राइट right? तो मैं रात को एक बजे भी जाऊँगा तो वो एक बजे उठेगा बोलेगा बुक पढ़ो एंड मैं एक या दो पेज तीन पेज समथिंग कुछ पढ़ूंगा एंड देन आफ्टर पढ़ूंगा बेटा अभी सो जाए बोलेगा हाँ चलो सो जाते हैं राइट सो मैं यदि वो कर रहा हूं तो उसको कौन सी बुक दिलानी है कौन सी बुक नहीं दिलानी है वो मेरी रिस्पॉसिबिलिटी खिलाना इज ममा का रिस्पॉसिबिलिटी तो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी एंड नंबर टू कभी भी दादा दादी मानते नहीं है नाना नानी कभी मानते नहीं है तो क्या करना जिसके पेरेंट वो बात करें सो so, दादा दादी है तो ये रूल समझाएगी बहू नहीं वरना अगेन पावर स्ट्रगल आ जाएगा ईगो बीच में आ जाएगा कि तू बाहर से आई और हमें समझा रही है राइट right? इंस्टेंट पापा को वो स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमें तैयार करना है नॉट हैविंग वाले हैविंग के ऊपर भारी हो रहे हैं तो आपके पोते को मेरे पास नॉट हैविंग था तो मैं स्ट्रगल करके आगे आ गया बट हमारे पास अब हैविंग है राइट right? तो अब मेरा बच्चा जब सीए बनेगा तो उसको कौन से सीए के साथ लड़ाई करनी है कौन से सीए के साथ कंपटीशन करनी है जो स्ट्रगल करके सी ए बना है तो ये जो फीस में काम करेगा उससे कम फीस में ये डबल काम करके देने वाला है तो पापा को वो बताना है कि बेटे को भविष्य में स्ट्रगल करनी है तब आप भी नहीं होंगे मैं भी नहीं होंगे जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो उसको वो बंदे से स्ट्रगल करनी है वो स्पोर्ट्स में जाएगा तो जो बच्चे ने शूज़ पहने बिना जो दौड़ा हुआ है वो बच्चे के साथ उसको क्रिकेट खेलना है एंड उसमें उसके जितने के चांसेस है इसके लिए आपको पहले इसको दौड़ाना पड़ेगा एंड वो यदि पापा बच्चे को समझा देंगे सॉरी दादा दादी को समझाएंगे तो ईगो नहीं आएगा और यदि नाना नानी का रोल है तो वहाँ पर मम्मा समझा दे एंड वो तब जब बाकी के फैमिली मेम्बर ना हो यदि वाइफ के सामने मम्मी पापा को हस्बैंड ने समझाया तो हसबैंड गया काम से ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से गया सर दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक हमने बच्चों को लेकर पूरा एक कोर्स ही कर डाला है यहाँ काफी सारी समझ में maximum, एक भी जगह फोर्सफुल नहीं लगा फ्लो में गया बहुत अच्छा लगता है मुझे पॉडकास्ट में ऐसा होता है तो मतलब मजा आ रहा है हमने काफी कर भाई, और सीखने भी मिल रहा है एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चलता है मेरे पॉडकास्ट में लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी पसंद है Uh, तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ लोग पेरेंटिंग में कैसे कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई बात है एक्सलेंट सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ है जो लाइफ के हर एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं सो so उसको हम चाहे तो पेरेंटिंग में भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं okay. और उसको लेकर मैं दो टेक्निक है जो शेयर करना चाहूँगा वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ कॉल्ड स्लीप टॉक टेक्निक जहाँ पर ज़्यादातर बच्चा जब जाग रहा है तब उसका कॉन्शियस माइंड इज़ एक्टिव उसके कॉन्शियस माइंड में टीवी के मोबाइल के वीडियो गेम के वो सारे विचार चल रहे हैं इन बिटवीन मैंने बोला बेटा टीवी ज्यादा देखना नहीं चाहिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो तो वो जो थॉट है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड में और भी कोई काम चालू है बट इन स्टेड मैं यदि ऐसा करूँ कि बच्चा जब सो जाए उसके बाद में मेरा राइट हैंड लेके बच्चे के सर पर और उसकी पीठ पे पर्टिकुलरली मैं घुमाऊँ दो तीन चार मिनट में घुमाऊँ एंड इन बिटवीन मैं बच्चे के लिए पॉजिटिव ऑफरवेशन शेयर करूँ फॉर एन एग्जाम्पल बच्चा यदि हाइपर है तो मैं कहूँगा मेरा बेटा अध्याय एकदम शांत है वो एकदम अच्छे से सेटल्ड है वो फिजिकली एकदम कंपोज्ड है काम एंड कंपोज्ड है वैसा मन ही मन में मैं सोच रहा हूँ एंड वही मैं वाइब्रेशंस पर्टिकुलर बच्चे की पूरी स्पाइनल कोड पे एंड ब्रेन पे पर्टिकुलर में ट्रांसफर कर रहा हूँ मे बी बच्चा पढ़ाई नहीं करता राइटिंग अच्छी नहीं है तुम तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे को पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है वो नया नया लर्निंग बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा है सो so, वो पॉजिटिव अफर्मेशन में सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव है जब माइंड काम है जहाँ पर और कोई थॉट प्रोसेस नहीं है उस समय पे मैं जब दे रहा हूँ तो बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है सो so, उसके बाद में जो पेरेंटिंग के प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे डिजोल्व होंगे अच्छा राइट right? अभी आज सॉल्व करेंगे तो कल और कुछ नया चालू होगा बट ये सबकॉन्शियस माइंड का यदि मम्मी पापा ने प्रोग्रामिंग कर लिया यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वो क्या होगा वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा राइट सो वेरी फर्स्ट थिंग जो नहीं है और जो हम डालना चाहते तो जो नहीं है वो दूर करने के लिए नेगेटिव सजेशन नहीं देना है हम पॉजिटिव चीज़ बोलेंगे और वो है एट प्रेजेंट वो चीज़ हम बोलेंगे नंबर टू वाटर थेरापी उसके लिए डॉक्टर मशरू इमोटो ने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया है एंड uh, जो हम बोलते हैं एंड यदि पानी है तो पानी के अंदर वो जगह के भी वाइब्रेशंस वहाँ पर जाते हैं एंड पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर होता है एंड इसलिए उन्होंने जो रिसर्च किया था कि यदि उसको बोला जाए यू आर फुल यू आर फुल तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं उसको कोई डिवाइन कोई पॉजिटिव अफॉर्मेशन बोला जाए तो उसके मॉलीक्यूल्स चेंज होते हैं एंड सरप्राइजिंग बात ही बच्चों का बॉडी इज अराउंड सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंटेज वाटर एंड वो बच्चे को बोला जाए डोंट डू दिस डोंट डू दैट डोंट डू दिस डोंट डू दैट वो बड़ा होकर क्या बनेगा डोंट डू डोंट डू राइट सेवेंटी परसेंटेज वाटर इज बॉडी इज वाटर तो वहां पर वो मेमोरी स्टोर हो रहा है सो so नाउ अब हम वो क्या करें जो नेगेटिव इफॉर्मेशन थ्रू वाटर और हमने बॉडी के अंदर गए हुए हैं वही चीज को अब हम रिप्लेस करना शुरू करें सो hmm. so, कैसे करें बच्चे के लिए मे बी वाटर बॉटल स्कूल पे जाते वक्त हम भरते हैं तो वहाँ पर राइट right हैंड को ऊपर रखते हुए इस तरीके से बॉटल को खुली रखने के बाद पानी भरने के बाद हम उसको जो चाहिए मेरे बच्चे का स्टडी के अंदर बहुत अच्छा मन लग रहा है वो स्कूल को एंड टीचर के सजेशन को एन्जॉय कर रहा है राइट right? एंड उसको लिखना पसंद है उसका पढ़ाई में मन लगता है वो नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है वैसे चार पांच सजेशन हम एक साथ में दें एंड देन आफ्टर बॉटल को बनकर दें वो वाटर बॉटल बच्चे को दी जाए सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉजिटिव अफर्मेशन वाला पानी जा रहा है रात के समय पे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी जा रही है तो बच्चे के अंदर थर्टी डेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा बट इसमें खाली एक कि ये कैच ध्यान में रखें एक दिन में बच्चा बिगड़ा नहीं था तो एक दिन में सुधरेगा नहीं सो so, सारी एक्सपेक्टेशन एक दिन में एक छोटी सी बोतल में ना भरें राइट <laughs> right? हम क्या करें डिसाइड करें कि पहले हम स्टडी की बात करेंगे तो थर्टी डेज तक स्टडी एंड कॉन्सनट्रेशन एंड राइटिंग उसी से रिलेटेड अफॉर्मेशन मम्मी पापा के मिलते रहे थर्टी डेज में वहाँ पर जब इम्प्रूवमेंट आ जाए फिर हम बिहेवियर की बात पर जाए फिर हम नेक्स्ट थर्टी डेज तो वो कॉन्सनट्रेटेड यदि वो चीज़ मिलेगी तो वो लेसर भी वो पत्थर को तोड़ सकती है यदि कॉन्सेंट्रेटेड है तो सेम चीज वो अफॉर्मेशन हमें कॉन्सेंट्रेटेड देने हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होगा राइट सो हमें कोई बोलेगा कि hmm. आप नॉट यू बट सपोज कोई व्यक्ति है चलो वो व्यक्ति देख के कोई बोले यारे दूसरा है। है है। ah, ah. व्यक्ति बोलेगा तीसरा व्यक्ति बोलेगा चौथा व्यक्ति बोलेगा तो इमीडिएटली अब वो शाम तक उसको लगेंगे एंड उसको यदि टेस्ट किया जाए शाम को तो उसको फीवर आ जाएगा क्योंकि वो पहली बार शायद नहीं बोलेगा दूसरी बार उसको लग, लगे क्या सच में बीमार तो में क्योंकि so, पांच लोगों ने so, भाग so, भागो मत ये मत करो वो मत करो ऐसा मत करो कूदो मत जम मत लगाओ पांच लाख बार बच्चा जब अठारह साल का होता है एटीन ईयर्स टिल द एज ऑफ एटीन फाइव लैक टाइम्स वो बच्चे ने नो सुना हुआ है एंड सिर्फ पाँच हज़ार बार बच्चे ने यस सुना हुआ है hmm. तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है सो so, नेगेटिव इम्पैक्ट इज वॉट बच्चे का नो का प्रोग्रामिंग ज़्यादा हुआ है सो so, अब वो 18 साल पे बच्चा रिस्क लेना चाहता है मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपने 20 साल पे पेरेंटिंग चालू किया इतने 20 साल पहले चालू किया वगैरह वगैरह तो बोले कितना बड़ा रिस्क लिया मैंने बोले इसमें कहाँ रिस्क है राइट right? मेरा पैशन है वो है अब ऐसा मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि इसमें कहाँ मैंने कुछ गलत किया मैंने छः साल तक प्रोग्राम लॉस में चला तो भी मैं हैप्पी था बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने नो का प्रोग्रामिंग कभी डाला ही नहीं है जब पूरा लॉस में गया है इवेंट तो भी मम्मी पापा की ओर से पॉजिटिव मिला हुआ है तो वो इसमें स्ट्रगल हुआ ना फलाना हुआ ना ढिमका हुआ ऐसा कोई सोच ही नहीं है सो वही बच्चा वो बचपन से नो 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 सुन रहा है तो अब वो जब 18 साल का हो रहा है सो वन ऑफ द इंडस्ट्रियालिस्ट जो काउंसिलिंग के लिए आए थे अपने बच्चे के लिए देन आफ्टर जब ये चीज़ वो समझ रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट देन ही रियलाइज यस यू आर राइट बिकॉज मैं जब छोटा था वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थी उनके दादा भी मैंने उनके पापा भी तो बोले वो हमेशा काइंड ऑफ सॉल्ट वगैरह की फैक्ट्रीज़ थी uh, कपड़े की फैक्ट्रीज थी तो ह्यूज रिच फैमिली तो बोले मैं जब पैसे मांगता था तो बोलता था नहीं तो छोटा है तू पैसे नहीं सँभाल सकता तू छोटा है तो पैसे नहीं संभाल सकता सो so, आज मैं बिज़नेस संभाल रहा हूँ बट आई डोंट नो वाई कुछ भी समय पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे गया और एटी थाउजेंड की वन लाख रुपीज़ की पेन ले ली अब जो दो दिन के बाद कहाँ पर है मुझे पता भी नहीं उसकी ज़रूरत भी नहीं है मैं कहीं पे गया और दस लाख रुपए की मैंने वॉच ले ली मुझे ज़रूरत नहीं थी बट संभव में इम्पल्स ऐसा बायर हो जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं मुझे बचपन से जो बोला गया था कि तू पैसा हैंडल नहीं कर पाएगा पैसा हैंडल नहीं कर पाएगा वो प्रूव करने के लिए मैं वो चीज़ आज फोर्टी की एज पर भी मैं वो कर रहा हूँ वैसी

डरते हैं और कर ही नहीं पाते क्योंकि शायद उन्होंने इतना नो की प्रोग्रामिंग उनकी होगी डर हो चुकी है एक दो हजार रुपया भी निकालने के लिए अगर कोई चीज बुक खरीदने भी बोले तो बुक के लिए भी लोग डरते हैं उनका इतना क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग होती हुई है राइट right, 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 right. और कोई भी बड़ा काम विदाउट रिस्क हो ही नहीं पाता नहीं हो जब आप एक दो हजार का रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप एक दो करोड़ का रिस्क कैसे लोग दस पंद्रह करोड़ आएंगे कैसे क्योंकि जितने भी लोग बड़े बड़े जैसे आपने भी जो काम किया आप लेवल रिस्क लेना ही पड़ेगा राइट सो पापा ने मेरे लिए बहुत एक अच्छी सी हैबिट डाली हुई थी कि मैं जब काम करता था एज अ मैकेनिक स्टैंडर्ड नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ उस समय पे पापा ने बोला था सात सौ रुपये सैलरी आती थी बोले पहला काम इसमें से डेढ़ सौ रुपये की कोई भी पॉजिटिव बुक लेने का करना है फिर स्कूल की फीस भरनी है बाद में आपको यूज करना है या घर पर देना है वो आप चूज करना राइट right? सो so, वो बचपन से वो हैबिट डाली थी तो बिकॉज ऑफ दैट अभी छः हजार से ज्यादा बुक का कलेक्शन है राइट right? एंड वो टी वी ना देखने की जगह पर तब से ले कर मे बी फिफ्टीन ईयर्स पर शुरू हुआ था मेरा रीडिंग का जर्नी एंड तब वो छोटा सा घर रोड साइड था एंड स्ट्रीट लाइट के नीचे रात को पढ़ता था राइट कि टेंशन नहीं जब तक पढ़ना है पढ़ सकते हैं मम्मी पापा कभी डांटेंगे नहीं कि भाई कितना वो पूरी रात लाइट चालू रहती है तो मुझे एकांत भी चाहिए था और एक ही रूम था तो वहाँ पर एकांत मिल नहीं सकता घर तो के बाहर जो आंगन होता था वहीं पर दरी बिछा के वहीं पर सोता था तो वहाँ पर एकांत भी मिलता था रीडिंग भी होता था एंड बिकॉज ऑफ़ दैट पहले कुछ भी हम कमाते हैं उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे पैसा डालना है और रिस्क लेना है खुद के लिए वो पापा ने पहले से वो संस्कार डाल दिए थे पैसे नहीं थे बट वो हैबिट डाली थी तो वो आज भी वो चीज़ है कि अभी तक दो करोड़ से ज़्यादा रुपए के कोर्सेज एंड सेल्फ लर्निंग के पीछे वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ यदि वो माइंड सेट डेढ़ सौ का नहीं होता तो दो करोड़ का कभी नहीं आता और उससे कितना एक्स आपने कमा चुके हो मतलब लोगों ने स्पेंड क्योंकि क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझते कि हम जितना कई बार डालते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा हम कमा लेते हैं कई गुना हाँ। कई गुना सो so, मैंने कई बार लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो मुझे वो लोग बोलते हैं ऐसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हो मैंने बोलता हूँ मैं सेल्फ मार्केट में पैसा डालता हूँ स्टॉक मार्केट में नहीं क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाव बढ़ेगा कम होगा कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो कौन डिसाइड करता है वो स्टॉक डिसाइड करता है वो मार्केट डिसाइड करता है बट यहाँ पर मैंने पैसा डाला तो इसका भाव कितना बढ़ेगा वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितनी फ़ीस लेनी है राइट right. right? मेरे प्रोग्राम की कितनी कॉस्ट होगी मेरे काउंसलिंग की कितनी फ़ीस होगी वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ सो so, इसके लिए हर एक व्यक्ति को रीडिंग का कल्चर यदि घर में डेवलप किया जाए एंड सेल्फ डेवलपमेंट में यदि पैसा डालने यदि मम्मी पापा बच्चों को सिखाए सो एज so, यू सेट हज़ार रुपये की बुक यदि होगी ना तो गारंटी के साथ नाइन्टी नाइन परसेंटेज लोग वो बुक को टच भी नहीं करेंगे हज़ार रुपए की बुक करो एंड ज्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है बुक का टाइटल देखते हैं हाथ में लेते हैं और उसके बाद में इमीडिएटली क्या करते हैं पेज पलट के हैं नॉट पेज बुक पलटते हैं एंड प्राइज देखते हैं एंड टाइटल उनको अट्रैक्ट करता है प्राइस डिसाइड करता है कि वेदर दे विल बाय और नॉट एंड ज्यादातर लोग प्राइस देखते हैं इंडेक्स देखते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो मैं उतनी काम की नहीं लग रही है राइट right, वो उतनी काम की नहीं होती तो इतने बड़े व्यक्ति ने दो साल लगा के बुक लिखी नहीं होती सही बात है राइट right, बट मुझे यदि कोई कहे बुक को लेकर क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट है मेरा भी इंटरेस्ट है।, है तो मुझे यदि कोई कहे कि बुक वगैरह वगैरह तो मैं बोलता हूँ आपको बिलगेट्स के साथ लंच करना है स्वामी विवेकानंद के साथ डिनर करना है या और कोई बड़े से बड़ा लीडर हो सकता है उसके साथ आप कॉफी पीना चाहते हो बोले हाँ बोले मैं तो पाँच सौ में मिलता है

कि इतनी सस्ते में इतनी ज्यादा वैल्यूबल चीज है लोग लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते, नहीं करते क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है नहीं हुई है हमें ना बुक को हमेशा नेगेटिव चीजों के साथ ज्यादा जोड़ा गया है राइट राइट अच्छी चीजों के साथ नहीं जोड़ा गया कि यार कैसे बिलगेट ने जो एग्जांपल दिया मैंने मेरा भी रीजन ही था जैसे मुझे मालूम पड़ा सक्सेसफुल कैसे बनना है तो आप मेंटर सक्सेसफुल जो आपसे पाँच दस साल आगे उनके

जो कोर्स या जो कोच के पास जाएंगे उससे तो ज़्यादा ही वेस्ट करेंगे राइट right? इंस्टेंट मैं जाऊँ सीखूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा एनर्जी बच जाएगा पैसा बच जाएगा एंड काम वो फास्ट होगा सो so मैं जितने भी आई थिंक बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या कंपनीज हैं जिनके साथ हमने काम किया हुआ है तो उसमें जो सी है या जो चेयरमैन है जो फाउंडर्स है उनका एटीट्यूड इज़ वॉट मुझे ये काम करना है ये काम बेस्ट कौन करता है वो मुझे बताओ मैं बोलूँगा ये ठीक है उसको हायर करो एंड ये काम फिनिश करो एंड जो नॉर्मल व्यक्ति होगा जो मीडियो व्यक्ति होगा उसको जब अपनी सक्सेस के लिए बोला जाए तो वो ढूंढता है ये फ्री में कैसे हो सकता है या ये कम से कम पैसे में कैसे हो सकता है अब कम से कम पैसे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन कभी नहीं मिल सकता हेड मैं फीस दूँ नॉर्मल व्यक्ति की और बोले बोलूँ टॉनी रॉबिन्स मेरा कोचिंग करे तो वो डेढ़ करोड़ लेगा फ्री कोचिंग करेगा वो उसे पहले नहीं करेगा राइट right, मैं चाहता हूँ कि ये हो मैंने लोगों को प्यून के में सुंदर ही चाहिए। वो नहीं मिल सकता है ब्यूटिफुल्स नहीं मिल सकते हैं तो उनकी बुक्स तो पढ़ सकते हो क्योंकि कई सारा ज्ञान बुक्स पर हम ही देते हैं मतलब जो लिखते हैं ऑथर्स होते हैं वो लोग सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस बता देते तो वही मैं इतने चीप प्राइस में इतनी हाई वैल्यू की चीज है बट लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते फिर भी शायद संभव हम फूड की वैल्यू ज़्यादा करते हैं खाने में कई बार कहता हूँ कि हम चार सौ का ब, बच्चे को पिज्जा खिला देते हैं संडे रात को जो मंडे मॉर्निंग में निकल जाने वाला है वो भी डैमेज कर कर करके बट चार सौ रुपये की बुक यदि बोलेगा जो शायद संस्कार बच्चे को अच्छी दे सकती है अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकती है तो बोले नहीं है ये महंगा है राइट सो मुझे लगता है ये माइंडसेट यदि पेरेंट चेंज करेंगे लाइब्रेरी हर घर में हो हर घर में यदि पॉजिटिव बुक के बारे में लाइक पढ़ा जाए एंड जैसे लोग टीवी की सीरियल देखते हैं फिर डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या हुआ ना ये मरा ना इसकी शादी होगी कि नहीं जो दिन इंडिया के अंदर हम सारे फैमिली मेम्बर बैठ के बुक पढ़ने लगे एंड जब फैमिली या फ्रेंड्स इकट्ठे हो

Uh, पहली बुक जो मेरे दिल के करीब है और पापा के द्वारा मुझे चार बुक का सेट दिया गया था और उसमें से जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी सारी बुक मस्त थी हुँ। हुँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा और इनफैक्ट जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स होंगे उनकी शायद फर्स्ट बुक या इनिशियल लेवल की जिस जो बुक को लेकर उनको प्यार हुआ हो क्रश हुआ हो राइट right, नॉलेज को वो शायद वही बुक होगी सो so, मैं रेकमेंड कर लूँगा ये बुक ऑर्डर करने की सारी बुक घर में होनी ही चाहिए सेकेंड uh, जो पर्टिकुलरली मैं रेकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि अब ज़्यादातर वो काइंड ऑफ वॉरशियस रीडर सब लोग नहीं हैं hmm. तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको पसंद हो उनके लिए जैक कैनफील्ड की बुक है चिकन सूप फॉर द टीन एज जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको टीन एज सोल वाली बुक लेनी चाहिए जहाँ पर टीन एज बच्चों को इंस्पायर करने वाली ढेर सारी स्टोरीज़ है हंड्रेड प्लस स्टोरीज़ हैं सेम विद मदर एंड डॉटर सोल एंटरप्रेन्योर सोल फादर एंड सन सोल वैसी अराउंड थर्टी प्लस बुक की सीरीज़ है सो so, उसमें से इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आप क्या करो वो कर सकते हो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप वैसा कर सकते हो टीन एज यदि व्यूअर्स है तो वो टीन एज सोल वाला बुक ले सकते हो जो भी जर्नी में है वैसी इंस्पायरिंग हंड्रेड प्लस स्टोरीज होगी तो वो देखने में पढ़ने में मजा आएगा मजा याद रहेगा एंड देन आफ्टर थर्ड बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज मेरे काफी अच्छे मित्र है शिव खेरा जी एंड uh, उनकी बुक यू कैन विन राइट

रात को तकरीबन हम लाइक दिल्ली सेशन था वहाँ पर गया था उसके बाद में उनके घर पे गए उस समय पे अराउंड सेवेंटी फाइव समथिंग की उनकी एज थी अभी और दो दो तीन साल पहले की बात है सो पर्टिकुलरली रात के हम मिले देन आफ्टर रात की फ्लाइट में मैं और मेघा वाइफ दोनों थे हम जाने के लिए निकले वॉट ही सेट ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो हमें और एक जगह पर मीटिंग करने के लिए जाना है सो so, मैंने उनको ऑफ़िस पे फर्स्ट टाइम जब मेरा उसके बाद में आगे सेशन थे तो मॉर्निंग में मिलने के लिए गए थे ऑफ़िस में तो सुबह में नौ बजे पर्टिकुलर मिले थे ऑफिस में एंड एट दिस एज सेवेंटी फ़ोर सेवेंटी फाइव पे वो बोले वो एक जगह पर मीटिंग करके आए थे अच्छा। नौ बजे सुबह में ऑफ़िस में एंड दूसरा मैंने उनको देखा कि रात के नौ बजे के आसपास हम उनके घर से डिनर करके साढ़े नौ दस बजे निकले एंड तब वो बोलते कि गाड़ी निकालो हमें और मीटिंग में जाना है सो so, मुझे लगता है कि ऐसे रोल मॉडल जो दिन हो गए ना बॉलीवुड की जगह इंस्टाग्राम की जगह ऐसे रोल मॉडल यदि इंडिया के अंदर हो गए तो मुझे लगता है देश का ऑलरेडी वारा नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली हो सकता राएट, है राइट राइट नहीं मैंने उनसे बात किया वो समझ में आ गया और मेरे से जब पॉडकास्ट था उससे पहले भी वो काम कर रहे थे पॉडकास्ट हो गया था उसके बाद उनका काम चल रहा था और वो भी सब लेट थोड़ा हो ही गया था रात का टाइम ही था और उनकी जिस हिसाब से एज है वो दिख रहा था अभी भी वो फोकस्ड और पैशनेट है अपने Passion, काम को लेके <laughs> yes, yes. और उन्होंने कुछ रूल सेट करके रखे कि ऑफिस में मोबाइल नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इज वेरी पावरफुल मतलब yes, yes. देख के मालूम पड़ता है कि वो बंदा विजनरी है मतलब अच्छी ही इज डूइंग ग्रेट इट इट वाज वाज नाइस टू मीट हिम आल्सो कोई फाइनल मैसेज अगर आपसे मैं पूछू वैसे तो हम चाहिए तो घंटों बात कर सकते हैं बट कोई लास्ट आ, अगर मैं एक इसको खत्म करते सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो पेरेंटिंग से रिलेटेड आप देना चाहोगे किसी को भी सो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज़ बच्चे को बच्चे रहने दो राइट hmm. right? ज़्यादातर जैसे दो मम्मियाँ थी एक मम्मी दूसरी मम्मी को कंप्लेन करती है कि यार मेरे बच्चे सोफ़ा बिखेर देते हैं ना टीवी देखते रहते हैं ना सारी चीज़ इधर उधर बिखेरते रहते हैं ना खाना खा के गिरा देते हैं ना घर साफ कर कर करके थक गई हूँ एंड तब वो मम्मी बुजुर्ग मम्मी थी तो वो कहती है कि यही तो पल है जिसके लिए मैं आज तरस रही हूँ यही तो पल है जिसके लिए मैं आज तरस रही हूँ आज मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं एक बच्चा कनाडा में और एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका है एंड आज मैं यही पल को तरस रही हूँ कि वो बच्चे घर पे आए सोफे पे कूदे टीवी देखे मैं उनके लिए खाना लेकर आऊँ एंड वो खाना गिराए एंड मैं उनको डांटूँ उनका जो मम्मी थी उनका यही कहना था कि आज तू जो पल को लेकर कम्प्लेंट कर रही है ये पल कंप्लें के नहीं हैं कॉम्प्लीमेंट के हैं राइट right? ये जो बचपन है बच्चे का फिर से कभी आने वाला नहीं है सो हम बच्चे को बच्चा रहने दें और उसके साथ हम बच्चे हो जाए और उसके साथ जितना धमाल मस्ती करें जितनी तकिया फाइटिंग करें जितना हम उसके साथ बच्चे के ज़रा उसको ट्रीट करेंगे उतना हमारी ओल्ड एज में हमारे पास और बच्चों के पास मेमोरी होगी सो फाइनल मैसेज बच्चों को सिर्फ मनी ना दो मनी और मेमोरी दोनों दो सो बच्चा जब बड़ा हो उसके पास होना चाहिए कि पापा के कंधों पर बैठ जैसे मेरा बेटा भी सात साल का हो अभी तक तकरीबन ढाई हज़ार किलोमीटर के आसपास उसको लेकर वॉक या ट्रैकिंग या जंगल में जाना या पहाड़ों पे जाना ढाई हज़ार किलोमीटर होगा जो उसको मेरे कंधे पे बैठना पसंद है तो ढाई हज़ार किलोमीटर तक उसको कंधों पे लेकर मैं चला हुआ हूँ राइट तो वो मेमोरी उसके पास ज़िंदगी भर होगी तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ बाईपास कर पाएगा उसके बेटा बेटी जो भी हो उसको वो दे पाएगा यदि वो मेमरी ही नहीं है और मैंने बड़ा घर बना के ना बड़ी गाड़ी ना वो सब कुछ दे दिया तो वो खाली फोकट की चीजें होगी वो पैसा उड़ाने वाला बन जाएगा सो फाइनल मैसेज मनी एंड मेमोरी दोनों बच्चों को दे दी, दी जाए right. बच्चों के बचपन को एंजॉय करें राइट right. तो आई थिंक पेरेंटिंग इज द प्लेजरेबल थिंग नॉट प्रेशर वाला थिंग hmm. सबसे इंजॉयबल चीज़ है अगर आप उसको सही चीज़, चीज़ तरीके से देखो yes, तो राइट और आई थिंक एक लेसन मैं भी ऐसे बच्चों के कि थ्रो मैं बात करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि यार हमें एक चीज़ जो बच्चों से सीखना चाहिए वही आपने बोला ना बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं प्रेजेंट में रहते हैं हमने हम हमें ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है यहाँ और बच्चे का कैसे रहता है यहाँ पे है यहीं पे मस्ती करेंगे यहीं पर है कहीं और जाएंगे कहीं और, कहीं और के हो जाएंगे बट आई थिंक वो जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं हम वो कहीं ना कहीं खो देते हैं जिसके जैसे हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते रहते हैं क्योंकि हमें बचपन में उसी को लेकर टोका गया है हाँ उसी को लेकर हमें बचपन में टोका गया एंड बोला गया कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो अभी इसके बाद ये है इसके बाद होमवर्क है इसके बाद स्कूल है इसके बाद यहाँ जाना है इसके, इसके बाद यहाँ पर जाना, जाना है एंड बिकॉज ऑफ दैट सो किसी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि जीनियस इज द जीनियस पर्सन जो बड़ा होने के बाद भी बच्चा है <laughs> राइट वही जीनियस बनता है सो हाँ। so, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बड़े बड़े एंट्रप्रनियोर्स जो भी यदि आज, आज आज आप उनको मिले बातचीत करें तो आपको लगेगा अभी भी ये बच्चे की तरह है अभी भी इनके अंदर वो जो उनके पास जो पैसा है जो रुतबा है वो उनके पटल दिमाग में चढ़ा नहीं है वो पैसा सिर्फ उनकी जेब में है दिमाग पे चढ़ा नहीं है वो अभी भी बच्चे जैसे ही है क्यूरसिटी हाँ, है सीखने की बहुत ज्यादा एनर्जी राइट सो वो हमें आई थिंक मुझे लगता है वो करे तो

कोई अपने बेटे बेटी को सिगरेट दे सकती है आंसर इज नो राइट मम्मी पापा का जो काम है वो काम उसके लिए रोल मॉडल बनना है उसके लिए कोच बनना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वो उसको समझाना है एंड रॉन्ग चीज वस्तु से रोकना है सो मम्मी पापा का काम इज़ लाइक अ हेलमेट इज़ लाइक अ सीट बेल्ट जो प्रोटेक्ट पहले करेगा राइट सो मम्मी पापा का काम है कि वो प्रोटेक्ट करे राइट right? ना कि उसके लिए फ्रेंड बन जाए एंड वो फ्रेंड बन जाएंगे तो गारंटी के साथ बच्चा मम्मी पापा में रोल मॉडल नहीं देखेगा तो वो रोल मॉडल कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ही मान लेगा सो so, मम्मी पापा का काम इज नॉट दी फ्रेंड बनना बट फ्रेंडली बनना और रोल मॉडल बनना कि जिसको वो उसको फॉलो करने की इच्छा हो फ्रेंड को अकम्पनी करने की इच्छा होगी एंड जो कोच होगा या जो रोल मॉडल होगा उसको फॉलो करने की इच्छा होगी दोनों में साइकोलॉजिकली ये मेजर डिफरेंस है so, मुझे लगता है सबसे वर्स्ट एडवाइस जो ज्यादातर जगह पर आपको मिल जाएगी हाँ, हर जगह पर मिल जाएगी, जाएगी कि बच्चों के फ्रेंड बनो बच्चों के फ्रेंड बनो, बनो बट फ्रेंड हजार हो सकते हैं माता पिता सिर्फ एक ही होने वाले हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे सो इसीलिए फ्रेंड का स्पेलिंग एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड की स्पेलिंग में ही एंड है एंड लास्ट में कहना चाहूंगा फैमिली फादर एंड मदर ऑलवेज एक चीज करते हैं अनकंडीशनली एंड दैट इज आई एल वाई दैट इज आई लव यू सो दैट इज द ब्यूटिफुल मीनिंग ऑफ फैमिली यही है एक्चुअली hmm, nice. so hmm. में एकदम सही है जैसे जब, जब जैसे जैसे हम बड़े होते फ्रेंड्स माँ बाप बोलते थे कि एक दिन छूट जाएंगे बट यकीन नहीं करते थे हमें बोलता तो था हम हमेशा रहने वाले फ्रेंड्स के साथ बट अब अब हमें गलती है अब हमें रियलाइज होता है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस वाले मोड पे जाते हैं तो पुराने फ्रेंड्स पुराने लोग वो छूटते जाए है, मतलब वो बात तो नहीं रह पाती और एक टाइम मतलब अपनी अपनी फैमिली ही रहती है वह वही हमारे लिए रहता है हम उनके लिए रह पाते, लिए पाते। हम हैं हम चाह के भी बाकी सबके लिए नहीं रह पाते हम बोलते हैं हम सबके लिए नहीं हो पाते नहीं। जो घर में है कुछ होगा घर वाले ही रहेंगे एंड इनफैक्ट जो रहते हैं उनकी फिर मैरिज लाइफ उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है सब वो भी इन्वॉल्व होना चालू था वो भी इन्वॉल्व होना चालू आई थिंक ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके ऊपर भी बहुत बातें की जा सकती है आई थिंक लेकिन वो हम रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप जब हम मिलेंगे मुझे लगता है हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए हां ये भी अच्छा बहुत बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके बारे में बात कर सकते हैं अगर देखो वैल्यू तो बहुत मिली होगी आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स हो ही गए बट अगर फिर भी आपको लगते कुछ और क्वेश्चन है आपके दिमाग में पेरेंटिंग को लेके बच्चों को लेके या फिर इवन रिलेशनशिप को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना मैं सर के सारे क्रेडेंशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप जाकर जरूर चेकआउट करो टू बी ऑन पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली आई uh, होप आप लोग को भी वैल्यू मिली हो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू इट अ प्लेजर टू हैव यू थैंक यू एंड आप जल्दी से पेरेंटिंग क्लब के अंदर आए वैसे बेस्ट <laughs> Thank you so much. Thank you.